أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. मेरे तमाम सामईन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान कि इन मुश्किल हालात में एक बिल्कुल नए अंदाज़ में आज हम इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह सुभाना ताला हम सब का जहाँ जहाँ जो जो बैठा सुन रहा है, हम सब का सुनना सुनाना सीखना सिखाना पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्लाह सुभाना ताला इन नशिस्तों को हम सब के लिए, हमारे अहले खाना के लिए, हम सब के घरों के लिए बायस रहमत बना दे, बायस बरकत बना दे और हम सब की और हमारे अहले खाना की बख्शिश का जरिया और वसीला बना दे। मैं आगे चलने से पहले तारुफ़ करवाऊँ कि आज हमारी नशिस्त जो शुरू होगी, जैसे मैंने अभी पहले बताया, इंशाल्लाह ये 27 रमज़ानुल मुबारक को हमारा तकमीले कुरान और फिर उसके साथ हमारी इज्तमाई दुआ का अहतमाम होगा। अल्लाह सुभाना ताला से झोली फैला कर दुआ करती हूँ कि ये आफत जो वबा की हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आ चुकी है, अल्लाह सुभाना ताला कि हमारे तकमीले कुरान की दुआ से पहले ऐसे टल जाए कि हम इज्तमाईत से फिर अपनी उस दुआ के साथ जुड़ने में सब कामयाब हो जाए। पिछले दिनों में बहुत से मेरी साथियों की मुझे कॉल्स भी आती रहीं और मैसेजेस भी आते रहे और परेशानी और घबराहट और एक परे जो है वो एंजाइटी का तस्करा सब करती रहीं और सब ने ये कहा कि हम बहुत ही उदास हैं। और पिछले सालों की कुछ तस्वीर भी हॉल्स की उन्होंने मेरे साथ शेयर की और जिक्र किया कि हम कैसे जल्दी जल्दी दौड़ के अपने काम काज ख़त्म करती थी, अपने घर वालों से इजाज़त लेती थी, अपने कुरान हाथ में लिए धूप में, गर्मी में, धूप बारिश में, कितनी तूफ़ान आंधी के अंदर भी हम दौड़ती भी अपने महफिल के लिए आ जाती थी और फिर अगली नशिस्त में हाजिर होने की ख्वाहिश और जल्दी होती थी और कैसे सब लाइक माइंडेड लोग जमा होते थे और कैसे हम सीरत सहाबा और सहाबियात के किस्से सुनते थे और बख्शिश की दुआएं मांगते थे और इज्तमाईत के साथ हम महफिल में रो रो के अपने रूठे हुए रब को राज़ी करते थे, तो हम इसको बहुत ही मिस कर रहे हैं। तो मैंने अपनी इन तमाम साथियों को जिन्होंने मेरे से राबता किया, मैं उन सबको यही कहती रही, अल्लाह हम सबको मोमिन बना दे कि जैसे हमें पता चलता है ना कि मोमिन के लिए तो हर हाल में खैर ही खैर है, इंशाल्लाह ये इस नए अंदाज से हम सब का जुड़ना भी हमारे लिए खैर व बरकत का जरिया बन के आए और हमारे लिए रहमतों का पैगाम लेकर आए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे इसमें भी बहुत खैर नज़र आ रही है। वैसे आप देखेंगे जब हम अपने घरों से निकलती थी और इजाज़त लेती थी तो मेरे ख्याल है हम सभी खवातीन को ये ज़रूरी सामना करना पड़ता था कि बहुत सी खवातीन आके मेरे साथ बहनें तस्करा भी करती थी कि हम जब दौरे कुरान में आते हैं तो हमारे शौहर कहते हैं तुम कितने सालों से तो जा रही हो, तो अब क्या हर साल ही जाने की ज़रूरत है और तुमने कितने साल जाना है। फिर बच्चे कई दफ़ा कहते थे, बहुत बहनें तस्करा करती थी कि हमारे बच्चे हमारे बेटे कहते हैं कि बस अम्मी को तो लॉ ही लग जाती है और अम्मी दौड़ती चली जाती हैं, पता नहीं अम्मी को क्या हो जाता है, रमज़ान में दौरे कुरान का एक जुनून सवार हो जाता है। तो मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर हम जाएंगे नहीं और हम अपने घरों में बैठकर सुनेंगे तो हमारे वो घर वाले, हमारी शायद वो बेटियां, हमारी वो बहुएं, हमारे वो अहले खाना जिनको हम कहते थे हमारे साथ चलो और वो चल नहीं सकते थे या चल पाते नहीं थे या जाना चाहते नहीं थे और हम आके घर सुनाना चाहते थे तो वो सुनने को राज़ी नहीं होते थे या उनको वक्त नहीं मिलता था, इंशाल्लाह जब हम अपने घर बैठकर उनके दरमियान रहकर उसी लाउंज में बैठकर जब कुरान की सारी नशिस्तों में कुरान की समात करेंगे तो उनको ये ज़रूर समझ आएगा कि ये लगन क्या थी और ये तड़प क्या थी और ये क्या सुनने जाती थी। और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगी, शायद मेरी कुछ बहनें जो हैं वो बड़ी स्क्रीन्स पर, अपनी लैपटॉप्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर ये सुनेंगी प्रोग्राम, लेकिन
कुछ शायद अपने मोबाइल्स पे सुनूंगी, तो मैं उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप हमारी नशिस्तों में बैठ के सुनती थी ना, अपने मोबाइल को किसी जगह पे रख दीजिएगा, किसी स्टैंड पे फोकस कर दीजिएगा और उस पे वो स्क्रीन पे वीडियो देखते रहिएगा। लेकिन आपके हाथ में, आप एक कंफर्टेबल से अपने सोफे पे बैठ जाइए और आपके हाथ में सिर्फ आपका कुरान होगा, जैसे हमारी लाइव महफिलों में हुआ करता था। और फिर ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल तो बड़ी टीवी स्क्रीन्स में, बहुत सी टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, तो अगर आपके घर में ये मुमकिन है तो ये प्रोग्राम को अपने अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑन करके देखिए। इंशाल्लाह इर्द गिर्द घूमने वाली जो कुछ हमारी बच्चियाँ जो शायद नॉर्मली नहीं सुनती थी, उनके कानों में कुरान और हदीस की तालीमात के अल्फाज जाएंगे ज़रूर। तो लिहाजा अभी ये भी दरख्वास्त करूंगी कि कुछ को, कुछ नहीं तो अपनी कुछ मेट्स को अपने साथ बिठा लीजिए, ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह के जिक्र की महफिल कायम होगी, उस टुकड़े को अल्लाह सुबहाना ताला उठा के जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो लिहाजा शायद हम 2, 4, 5 अफराद की वो छोटी सी महफिल मेरे मोबाइल के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर, मेरे टीवी स्क्रीन के ऊपर जब बर्पा होगी, तो हमारा घर भी इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, रौज़तिल जन्ना, जन्नत के बाग, जब तुम्हारा गुजर इन बागों पे हो तो तुम भी कुछ चल चुक लिया करो। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रौज़तिल जन्ना और रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिक्र की महफिलें। तो इंशाल्लाह मुझे और आपको ये सआदत इन रमज़ान की महफिलों में, इन दौरे कुरान की महफिलों में मिलेगी कि हमारे घर वो ज़मीन के टुकड़े बन जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होगा, और इंशाल्लाह इन 40 दिनों में होगा और खूब ही होगा, और उन लोगों के कानों में वो भी हमारे अहले खाना कुछ चरने चुगने वाले खुश नसीब बन जाएंगे। अल्लाह से इस्तकामत की दुआ मांग लीजिए। रब्बाना सब तकदामना, या मुकल्लिबल कलूबी सब्बित कल्बी अला दीने, या मुसर्रिफुल कलूबी सर्रिफ कल्बी अला तुआतिक। और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद भी करे और मेरे लिए आसानी और सहूलतें भी करे, और हमारे जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं नेट के, जो आजकल की आफत में बहुत ज़्यादा मसाइल दे रहे हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि, क्योंकि बमा तौफीक की इल्ला बिल्ला, अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कि ये मामलात भी आसानी और सहूलत और स्मूथली चलते रहें। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह मैं अपनी नशिस्त पर 11 बजे पहुंच जाऊँगी। आपको मालूम है ना कि हमारी नॉर्मल टाइम के ऊपर भी बहुत पंक्चुअली शुरू हो जाती है, लेकिन आप में से सब मेरी साथी अपनी अपनी नशिस्तों पर हाथ उठाकर मुझसे वादा कर लीजिए। मैं नहीं देख रही आज आपको जैसे महफिल में देखा करती थी, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अपना हाथ उठा के वादा कर लीजिए कि इंशाल्लाह हम भी पूरे वक्त पर पाबंदी है वक्त से आएंगे। हाँ अच्छा, कर लिया वादा, और दोनों हाथ उठाकर पक्का वादा कर लीजिए। अल्लाह आपका मुहाफिज और निगरान हो। लेकिन खैर, आगे चलने से पहले मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि अगर आप वक्त पर नहीं भी आएंगी तो वहां तो सेशन गुजर जाता था। ये इन सेशंस की एक और बरकत है, वहां पे ताजमहल में या दूसरे मैरिज हॉल्स में तो सेशन गुजर जाता था और जब आप पहुंचती थी तो मैं बोल के आगे निकल गई होती थी। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन आवर फेसबुक पेज, इट इज गोइंग टू बी ऑन आवर यूट्यूब जो चैनल है, और इट्स गोइंग टू स्टे देयर। आप अपने कंफर्ट लेवल पे, कन्वीनियंस लेवल पे, जब जहां जिस वक्त चाहती हैं सुन सकती हैं। यू वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आपने खाना देना है, वो दे के आप वहीं से रिज्यूम कर सकती हैं। इन नशिस्तों की अपनी अफादियत है। मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है। अल्लाह हमें रमज़ान में खैर और बरकत को समेटने का शौक और शौक और लगन अता फरमाए। हमारे घर वालों को, अहले खाना को भी मैं फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ ना कुछ चरने चुगने, समेटने और एब्जॉर्ब करने वाला खुश नसीब बनाए। अच्छा जनाब, नाउ कमिंग बैक टू आर दौरे कुरान, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरी 2-3 बहुत ही प्यारी और रिस्पेक्टेबल, मेरी बड़ी मौजिज़ और मोहतरम बहनों ने मुझे ये कहा कि इस दफ़ा आप शुरू से कुरान जो है वो शुरू करें और कुरान की तरतीब को डिस्टर्ब ना करें। तो मेरे लिए वो मोहतरम तो ज़रूर है, लेकिन फिर मैंने मशावरत औरों से भी की तो मुझे फीडबैक इसके ख़िलाफ़ ही मिला,
और फिर ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा ये बात शेयर करती हूँ कि ये आप सब इस बात की गवाही देते हैं कि पहले रमज़ान को हमेशा हाजिरी जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है, बिकॉज ज़ाहिर है शयातीन भी जकड़े जाते हैं और कुछ फुर्सत और औकात में बरकत भी ज़्यादा आ जाती है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ. इवन आप देखेंगे कि व्यूअर्स की तादाद पहली रमज़ान में हमेशा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला. तो आई डोंट वॉन्ट कि ये 14 दिन में अगर मैं 12-13 सिपारे कवर कर लूँ और पहली रमज़ान को लोग आएँ और पता चले कि जी मैं तो सूरह तौबा तक सभी कवर करा चुकी हूँ और मैं सूरह यूसुफ करवा रही हूँ, तो वो लोग बहुत इस चीज़ से अपसेट होंगे. तो हम नाउ लेटिंग टेलिंग यू हमारा जो शेड्यूल होगा, आज मैं 13वें सिपारे से सूरह राज से शुरू करूँगी. थोड़ा सा 13वां सिपारा सूरह यूसुफ में है लेकिन आज मैं सूरह राज से शुरू करूंगी और फिर यहाँ से लेकर 26-27 जैसे हमें रमज़ान की आमद हमें मोहलत देगी और हमारे वक्त का मामला होगा, 26वें या 27वें रमज़ान सिपारे तक हम कॉन्टीन्यूसली जाएंगे. हम कुरान की तरतीब को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम 13 सिपारे से शुरू होंगे एंड वी विल कैरी ऑन टिल द 26 और द 27 सिपारा. और इसमें से मैं सिर्फ दो सूरतें निकालूंगी, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब, जो कि इंशाल्लाह हम रमज़ान में करेंगे. बट स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 सिपारा टू द 26 और 27 सिपारा, ये हम रमज़ान से पहले करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट ऑफ रमज़ान विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सिपारा और फिर हम 12वें-13वें सिपारे तक चल के आखिरी 2-3 सिपारों को रमज़ान में मुकम्मल करेंगे और यही इंशाल्लाह हमारा शेड्यूल रहेगा. अब अपना कुरान खोल लीजिए. सूरह अर्राद 13 सिपारे में है और ये तफ़ीमुल कुरान की दूसरी जिल्द है और सूरह यूसुफ के बाद सूरह अर्राद आती है. खोल लीजिए फिर हम इसका आगाज करते हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين ثم امين. تفسير سوره الرعد. सूरह राद मक्की सूरत है, 6 रकुआत और 43 आयात पर मुश्तमिल. ये तरतीब के एतबार से तो 13वें नंबर पर है और नज़ूली एतबार से 96 नंबर पर आने वाली सूरत है. अगर हम देखें तो इस दफ़ा एक इजाफी आपको इन्फॉर्मेशन लगातार देती रहूँगी कि इसमें 863 कलिमात हैं और हरूफ 3614 हरूफ हैं इस सूरत में. ये सिर्फ एक इल्मी हवाले से है, अदरवाइज इससे हमारे ईमान और अखलाक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बस औकात कुछ लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुरान की चाह रहे होते हैं. इसका नाम आयत नंबर 13 में वयुसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकातु मिन खीफतिही, बादलों का और राद का हम्द व सना और तस्बीह करने का तस्करा, उस हवाले से सूरह राद का नाम. मक्का का आखिरी दौर जो है ये वो सूरह दौर है जिसमें सूरह राद नाजिल हुई और ये वही ज़माना है जिसमें सूरह यूनुस भी नाजिल. अगर मज़ामीन को देखा जाए तो तौहीद और रसालत, ये दो अकायद हैं जिन पर तस्करा बुनियादी तौर पर इस सूरत में किया गया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम मीम रा. तिलका आयातुल किताब. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. الف لام میم را, ये एक अलकिताब, बेहतरीन किताब है, द बेस्ट किताब, ये जो तुम पढ़ने चले हो, ये जिसका तुम आगाज, जिसकी तालीम का आगाज करने लगे हो, जिनकी नशिस्तों के साथ तुम जुड़ने लगे हो, ये क्या है? कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है. अल किताब, द बेस्ट बुक. हदीस मुबारका के अल्फाज दोहरा लीजिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खालिक के कलाम को मखलूक के कलाम पर वही फौकियत है जो खालिक को मखलूक पर. और ये क्या है?
अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया, वाहुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, सारी दुनिया बहुत सी चीजें जमा करती है लेकिन तुम इन नशिस्तों में बैठ के जो जमा करोगे वो उन तमाम चीजों से बेहतर है जिसे लोग समेटते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब जो तुम पढ़ने लगे हो ये अल किताब है, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक्ना तिबाअ, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। अल्लाह हमें इन में ना बनाना, अल्लाह मान कर समझ कर बिला शक और शुबा अतात करने की तौफीक अता फरमाना। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुम्हें नजर आते हों, फिर वो अपनी तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, और उसने आफताब और महताब को एक कानून का पाबंद बना दिया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर के लिए चल रही है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बग़ैर आमदिन तरौनहा, इसका कुरान में ना बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि ये आसमान जो है बग़ैर सतूनों के अल्लाह ने बुलंद किया है। अल्लाह की तख्लीक में आसमान एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त तख्लीक है, और ये बात मैं आपको दौरे कुरान में बहुत दफ़ा कहूँगी कि अल्लाह की एक एक मखलूक और एक एक तख्लीक ऐसी है कि उसमें से सिर्फ एक ही मखलूक को देखा जाए ना तो वो चीख चीख के अपने खालिक का ऐलान करती है और चीख चीख के अपने खालिक की पहचान बताती है। अल्लाह हमें ईमान फुरकान बुरहान और पहचान अता फरमा दे। अगर आप आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएं, वो जो इलामा इकबाल ने फरमाया ना, खोल आंख जमीन देख फलक देख फजा देख, आसमान की तरफ देखें तो हद्दे निगाह तक एंडलेस विजन और साइट तक एक नीलगू सी चादर है, और उसमें ना कोई रखना ना कोई सौराख ना कोई बल ना कोई सिलवट ना कोई झोल, और फिर इतना बड़ा एक कैनवस जो एंडलेसली एक्सटेंड करता है उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। हम छोटा सा एक टेंट लगाते हैं, हम छोटा सा एक छत बनाते हैं तो उसके नीचे पिलर्स खड़े करते हैं, उसके नीचे सपोर्ट्स लगाते हैं, और कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इवॉल्व करना पड़ता है, लेकिन लुक एट दिस, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर बदलता है, देखो आसमान रंग कैसे 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 आसमान की रंगत बदलती है। सुबह डॉन के वक्त वो हल्की सी जर्दी, बाकी के आसमान का रंग और है, फिर उसके बाद सूरज के सनसेट के वक्त कितने खूबसूरत रंग बदलते हैं, कभी आसमान नीला है कभी पीला है कभी सुर्ख है कभी स्याह है, और फिर कभी उसके ऊपर कौसे कजा के सारे रंग फैल जाते हैं, और फिर वो रात की तारीकी की चादर लिपट जाती है। ये वो स्क्रीन है, ये वो कैनवस है। एक स्टेज थिएटर के अंदर जब बैकग्राउंड सीन को चेंज करते हैं तो कितना अमला दरकार होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन चेंज होता है। ये रब की पहचान है, ये रब की तख्लीक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बनाने के बाद वो अपने तख्त पर जलवा फरमा हुआ, और फिर ये सारे का सारा निज़ाम, सूरज का चांद का सितारों का दिन का रात का, हर एक वक्त मुकर्रर के लिए चल रही है, और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर कर रहा है। सूरज चांद सितारे अगर आप देखें तो हर एक का वक्त नहीं है, हर एक मोहलत नहीं है। सूरज आता है, तलू होता है, फिर गरूब होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर चला जाता है। चांद आता है मुख्तलिफ शक्लों में आता है और फिर गरूब होता है, फिर गायब हो जाता है। सितारे कुछ देर टिमटिमाते हैं फिर गुम हो जाते हैं। दिन आता है, रात आता है, मौसम आते हैं, हयतें हालतें रुत सब कुछ बदलती रहती है। क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि हर शख्स एक मुकर्रा वक्त के लिए चल रहा है। अगर हम अपनी जिंदगी की हालत भी देखें तो क्या हम हमेशा एक ही हाल में? पैदाइश के बाद वो छोटा सा बच्चा, उसके बाद उसका बचपन, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, फिर जिम्मेदारियां, पहले मेके, फिर ससुराल, फिर कंबाइंड सिस्टम अपनी बहुओं का, क्या ये सब चल नहीं रहा? हाँ, सब चल रहा है, सब जारी है, और सब रुकेगा नहीं। हम हमेशा इस जिंदगी में रहेंगे नहीं, यही लम्हा फिक्र है। ये जिंदगी चलती जा रही है, इस जिंदगी की इस फिक्र को अपनी गालिब फिक्र करने के बाद ये फिक्र गालिब करनी है कि ये चलती रहेगी, और इसके बाद एक अगली जिंदगी, अगला मरहला सफरे अदम जारी हो जाएगा। अल्लाह हमें फिक्र आखरत से आशना कर दे, अल्लाह हमें गम आखरत अता फरमा दे, अल्लाह दुनिया में पूरे का पूरा उलझने की बजाय हमें उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह ही उस सारे काम की तदबीर फरमा रहे, वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है। शायद है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। वही है जिसने जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के घूंटे गाड़ दिए और दरिया बहा दिए। अल्लाह फरमा रहे कि
मैंने जमीन फैला दी है। और ये बात याद रखिएगा कि जमीन जो एक हमवार सा गोल सा स्मूथ सा गोल बॉल नहीं है, ये बात कुरान में बहुत दफा आएगी, इसलिए मैं आज बुनियादी तौर पर वजाहत कर रही हूँ कि जो अल्लाह कह रहा है ना पहाड़ों के खूंटे गाड़े हैं, जब जमीन बनी थी ये अर्थ बनी थी तो ये एक बहुत नरम सा गोल सा एक बॉल था। और ये पहले पता है कि पहले ये गैस थी, फिर गैस जो है वो लिक्विड बना, फिर लिक्विड सेमी सॉलिड बना, और फिर जब वो सेमी सॉलिड रोटेट कर रहा था तो वो कभी एक तरफ ढलकता था कभी दूसरी तरफ ढलकता था। इस पूरे के पूरे ढलकने को और इस सर्कुलिंग मूवमेंट में वॉबलिंग को प्रिवेंट करने और वाइब्रेशन रोटेशन के दौरान और उस वॉबलिंग मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए माए अल्लाह जो बेहतरीन फिजिस्ट है उसने वेट को बैलेंस करने के लिए ज़मीन के अंदर खूंटे गाड़ दिए, और वो पहाड़ थे और ये पहाड़ वाकई गाड़े हुए हैं। याद रखिएगा हमें जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहाड़ जितने जमीन से ऊपर नजर आते हैं उससे ज्यादा वो जमीन में कीलों की तरह गाड़े में, और कुरान इसकी तस्दीक करता है। और ये सिर्फ वेट बैलेंसिंग के लिए था। और जब ये पहाड़ जमीन से ऊपर थे फिर उसके ऊपर से पानी बहा और फिर वो पानी का बहना और पानी की वेलोसिटी नहरों और दरियाओं का जरिया बन गई। ये तदबीर करना किसी इंसान का नहीं, देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, देयर हैज टू बी अ सुपर पावर। कैसे है कि जो पहाड़ों को देखता है, जो सूरज को देखता है, जो चांद सितारों को देखता है और वो कहता है कि ये सब कुछ खुद ही बन गया? नहीं, कोई बनाने वाला है। अल्लाह हमें अपनी पहचान अता फरमा दे। और फिर उसने दरिया बहाए तो क्या किया, कैसे ऑटोमेटिकली रिलेटेड सिस्टम है, उसने हर तरह के फलों के जोड़े बना दिए और वही दिन पर रात को तारी करता है। उन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं, किन के लिए, सबके लिए नहीं, किन लोगों के लिए, ला आयत लिकाऊ में या तफक्करून, जो कायनात की क्रिएशन में उनके मकासद के अंदर गौर और फिक्र करते हैं, अल्लाह हमें इनमें बना दे। देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ मुत्तसिल भी हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनमें कुछ अकेरे हैं कुछ दोरे हैं, सबको एक ही पानी से राब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। इंशाल्लाह इस पे बात होगी। फिर भी आप देखें कि एक ही तरह की मिट्टी, एक ही जमीन, एक ही हवा, एक ही सूरज, एक ही पानी, लेकिन उस जमीन में से कितने मुतफर्रिक किस्म के फल, जिनके रंग, जिनकी शक्लें, जिनकी हैयत, जिनकी साख, जिनकी स्मेल, जिनका टेस्ट, जिनका फ्लेवर, जिनकी तासीर, जिनके कंटेंट्स, जिनके मिनरल्स, जिनके विटामिंस, फर्क फर्क है। अल्लाह हमें अपनी पहचान अता फरमा, पहचान के साथ अपनी बुरहान, अपना ईमान और फिर अपनी बंदगी के तरीके सिखा। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना, यानी इतना अल्लाह ने अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया, अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है ना, तो ताज्जुब के काबिल तो उन लोगों का कौल है कि जो कहते हैं कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, यानी इतनी बड़ी कायनात का क्रिएटर जितने इतना बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ यूनिवर्स बना लिया, उसके लिए तुम्हें मिट्टी से फिर से बनाना क्या मुश्किल है? तुम उन लोगों की बात पर हैरत करो कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से इनकार किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हैं, ये जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि कुफर करने वालों की गर्दनों में तौक पड़े हैं और ये जहन्नमी है, ये कौन से तौक हैं? ये तौक हैं ख्वाहिशात नफ्स, आरजुएं, तमन्नाएं, वो जो कहते हैं ना दिल मांगे और खुल के जियो, मेरी जिंदगी तुम्हें इससे क्या, ये आरजुओं के, तमन्नाओं के, ख्वाहिशों के, डिजायर्स और टेम्पटेशंस के तौक हैं। फिर ये अपने अहले खाना, अपनी बरादरी, अपने माशरे के रसूमात के तौक हैं, ये दुनिया की मोहब्बत और हुब्बे दुनिया के तौक हैं। और जिन लोगों ने इन तौकों को उतार के अल्लाह के बंदगी का तौक अपने गले में नहीं डाला वो काफिर हैं और उनका अंजाम जहन्नुम है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये लोग भलाई से पहले बुराई की जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा लब लोगों को ज्यादतियों के बावजूद चश्मपोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। पहले अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने कलाम का तारुफ करवाया, फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी जात की सिफात और पहचान और निशानियां दिखाई, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाने वाले इतराजात का जवाब।
तुम तो मैं इस खबरदार कर देने वाली हूँ और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामला के पेट से वाकिफ है। माँ नहीं जानती, बाप नहीं जानता कि उनकी किस्मत में, उनकी तकदीर में जो औलाद लिखी जा रही है वो मुजक्कर है, वो मुअन्नस है। उसका रंग, उसकी हैयत, उसकी शक्ल, उसकी साख्त, उसकी जेनेटिक्स कोई नहीं जानता। जिस माँ के पेट में, जिसने पैदाइश के बाद कहना मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला वो रब, असल रबूबियत करने वाला एक हामला के पेट से वाकिफ है। जो कुछ उसमें बनता है ना वो उससे भी जानता है, और जो कुछ उसमें कमी बेशी होती है वो उससे भी बाखबर है। हर चीज उसके यहाँ एक मुकर्रर मियाद में है। वो पोशीदा जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है, हर हाल में बाला तर रहने वाला। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब बराबर है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके, किसके, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। यहां पर अल्लाह सुभाना ताला रहमान रब अपना एक अंदाज बंदे के साथ समझा रहा है। अल्लाह रहमान है और बंदा उसकी बेहतरीन मखलूक, अशरफुल मखलूकात है। अपनी बेहतरीन अशरफ मखलूक की हिफाजत के लिए रहमान रब ने मुहाफिज और निगरान मुकर्रर कर दिए। ये मुहाफिज और निगरान की तफसीर दो हवालों से कुरान में मुफस्सरीन बताते हैं। एक तो प्रैक्टिकली आगे पीछे दाएं बाएं से हिफाजत करने वाले, जैसे कहते हैं ना बॉडी गार्ड्स हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने बंदों की हिफाजत के लिए, अपने हर हर बंदे की हिफाजत के लिए गोया जैसे बॉडी गार्ड्स मुकर्रर किए। अब एहसास हुआ अल्लाह सुबहाना ताला एक एक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। कोई माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप अपनी औलाद से चाहे कितनी मोहब्बत करें, लेकिन एफ्लुएंट से एफ्लुएंट और मालदार से मालदार वालदेन जो हैं वो अपने औलादों को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में भेजने के लिए क्या उनके साथ बॉडीगार्ड्स भेज सकते हैं? माली ताकत रखने के बावजूद भी नहीं भेज सकते। बहरहाल अल्लाह सुबहाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करता है और हमारी इतनी हिफाजत करता है कि हर शख्स की हिफाजत के लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने निगरान उसके आगे पीछे मुकर्रर कर रखे हैं, जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत का एहसास हो रहा है, उसके मेहरबान होने का एहसास हो रहा है, उसके मुहाफिज और निगरान होने का एहसास हो रहा है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये मुहाफिज है, इनका एहसास आपको पता कैसे होगा? आपने कई दफा देखा होगा कि एक रोड साइड एक्सीडेंट में एक गाड़ी नजर आती है जो बिल्कुल लाइक इट्स ऑल स्मैश्ड अप, और आप या उसके करीब से गुजरने वाले जब उस स्मैश्ड अप गाड़ी को देखते हैं ना, तो देख के लगता है कि कई दफा हमारे ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि लगता है इसमें से तो ना कोई भी नहीं बचा होगा। और हमें पता चलता है, जब हम तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्कुल अनस्कैश्ड निकल आए, और कहने वाले कहते हैं कि जी वो तो एयर बैग भी नहीं खुला था और गाड़ी बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसमें से कोई अनस्कैश्ड निकल आया। किसने बचाया? ये मुहाफिज और निगरान, ये अल्लाह के मुहाफिज और निगरान है जो वो बीच में से ऐसे निकाल के बचा के ले जाते। और मैं आगे चलने से पहले आपको ये बात भी बता दूं कि हमें कुछ अहादीस से ये भी पता चलता है कि इन मुहाफिज निगरानों में से अल्लाह सुबहाना ताला ने एक एक आंख की हिफाजत के लिए सात सात मुहाफिज निगरान फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। दोनों आंखों के लिए सात सात मुहाफिज निगरान फरिश्ते। कितनी बातें इससे पता चलती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि फरिश्तों की तादाद कितनी कसीर है, कितने कसीर फरिश्ते होंगे कि हर इंसान की एक एक आंख के लिए सात सात फरिश्ते। और आपको पता है ये सब फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम्द व सना करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं। बताइए कि अल्लाह सुबहाना ताला को मेरी और आपकी तस्बीहात की, मेरे और आपके सजदों की, मेरी और आपकी बंदगी और अताअत की है कोई ज़रूरत जब इतने कसीर फरिश्ते ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? और फिर ये समझ में आता है कि अल्लाह सुबहाना ताला के नज़दीक हमारी आँख, हमारे जिस्म का वो उज्व है जो अल्लाह के नज़दीक कितना अहम है। नूरे बसीरत, नूरे बसारत अल्लाह के नज़दीक कितना अहम है कि अल्लाह ने उस आँख की हिफाजत के लिए साथ साथ निगरान फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। वैसे अल्लाह सुबहाना ताला ने आँख को वो उस बोनी केज में रख दिया, फिर उसके ऊपर वो एक डिबिया को आई लिड के साथ बंद कर दिया, फिर उसमें पलकों की एक झालर, ये सब हिफाजत है। लेकिन ऑन टॉप भी नेवन्यू के साथ फरिश्ते भी मौजूद हैं।
और ये सात फरिश्तों के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपने रूटीन में भी कई दफा देखा होगा कि किसी एक्सीडेंट में या किसी मुसीबत में कोई चोट लगती है और आप देखते हैं कि उस बच्चे का या उस शख्स का पूरा चेहरा जो है वो नीला होता है और सूजा हुआ होता है और ऑल ब्रूज्ड, लेकिन ऊपर नीचे आंखों के सर पे माथे पे हर तरफ नील और ब्रूजेज होते हैं और बीच में से आंख बची भी होती है। और हम कई दफा ये जुमला सुनते भी हैं और कहते भी, शुक्र है आंख बच गई। अरे शुक्र तो है कि आंख बच गई, लेकिन कैसे बच गई? ये वो सात मुहाफिज निगरान फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से लोगों की आंख की हिफाजत करते हैं। और आगे चलने से पहले ये भी जहन नशीन कर लीजिए और दिल में ये अपना सवाल भी कर लीजिए कि जब मेरे रब ने मेरी निगाह और मेरी आंख की हिफाजत के लिए सात मुहाफिज निगरान फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, तो क्या मैं अपनी निगाहों की हिफाजत करती हूँ कि नहीं? क्या हम अपनी निगाहों से वो चीजें जिसको मेरा रब, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, कि जब तुम्हारी निगाहें किसी ऐसी चीज पर, किसी मंजर पर, किसी के जिस्म के ऐसे हिस्से पर पड़ जाएं, किसी फिल्म, किसी ड्रामे, किसी ऐसे वल्गर चीज पर पड़ जाएं जो तुम्हारे लिए देखना जायज और हलाल नहीं है, किसी के सतर के वैसे हिस्से पर पड़ जाएं जो तुम्हारे लिए देखना परमिसेबल नहीं है, तो अपनी निगाहों को झुका लो। अपनी निगाहों की आवारगी की हिफाजत करते हैं कि नहीं? अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें और हमारी औलादों को इसकी बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। तो ये वो निगरान फरिश्ते हैं। और फिर इसके अलावा जो निगरान फरिश्ते हैं वो किरामन कातिबीन, जो हमारे आमाल की हिफाजत, जो सुबह से लेकर शाम तक, इंशाल्लाह सूरह यासीन में इसमें मैं बहुत वजाहत से बात करूंगी, वो करामन कातबीन जो सुबह से शाम तक हम कोई एक एक अमल, कोई एक्टिविटी, किसी के साथ हम जिस तरह देखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे हमारे अंदाज अखलाक मामलात, वो एक कॉन्टीन्यूस डिक्टेशन है इन फरिश्तों को। तो करामन कातबीन ऐसे हैं जो हमारे आमाल की हिफाजत करते हैं। और ये बताने के बाद कि मैंने तुम्हारे लिए मुहाफिज निगरान फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, अल्लाह फिर अपनी एक सुन्नत बताने के बाद एक अपना बहुत अहम कायदा बता रहा है। क्या हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता। जरे अपने दिलों और अपने दिमागों को खोल के खुले हवास के साथ सुनिएगा। मेरा रब मुझसे और आपसे आज के हालात में, इन आफत की घड़ियों में मुखातिब होकर मैं अपनी सुन्नत और अपना एक कायदा समझा रहा है। हकीकत यह है कि अल्लाह, आयत पढ़ लीजिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदलती। वो जो हाल ही ने फरमाया ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको आप अपनी ख्याल, आप अपनी हालत के बदलने का। दो बातें से समझ आती है, दो बातें वाजे तौर पर शरा सदर कर लीजिए। ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को बदलता है तो उस कौम के रवैये उस कौम की हालत को बदलने के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर या मुतहरिक वजीला या सबब बनते हैं। एक कौम खुशहाली में है, एक कौम आसूदा है, लेकिन वो अपने रवैये से अल्लाह की नाफरमानियां, सरकशियां, हदूद से तजावज, गुनाह, फिस्क और फजूर के रवैये दिखाती है तो उसकी खुशहाली बदहाली में बदल जाती। और फिर एक कौम अगर बदहाली में है, अल्लाह के अजाब में है, अल्लाह की नाराजगी में है, और वो अपने रवैये से इस्लाह, इस्तगफार और अल्लाह की बंदगी की तरफ पलट के लौट आती है तो फिर उसकी बदहाली खुशहाली में पलट जाती है। आज की हालत, इस सिचुएशन को, इस आफत और इस क्राइसिस को समझना कि ये क्यों आई, क्योंकि बहसियत कौम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक के ऊपर जुल्म, ज्याती, नाफरमानी, हकूक के तजावुज, हदूद से तजावुज, फिस्क और फजूर इस जमीन में आम हो गया था, जुल्म आम हो गया था, ज्यादती आम हो गई थी। जुल्म को देखने के बाद लोग उठ नहीं रहते, जालिमों के हाथ रोक नहीं रहते, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ कलमाए हक पुकार नहीं रहते। जब जमीन जुल्म से भर गई तो फिर अल्लाह ने हालात बदल दिए, फिर अल्लाह ने खुशहाली को बदहाली से बदल दिया, फिर अल्लाह ने आसूदगी और अमन को आफात से बदल दिया, अल्लाह ने अमन को खौफ से बदल दिया। ये वजह है, रवैये बदले थे तो ये आफत आई थी। और अब ये आफत, ये बदहाली, ये तकलीफ, ये बदमनी, ये खौफ, ये बदल के आसूदगी और अमन में कब बदलेगा? रवैये बदलेंगे, दिल बदलेंगे, सोचें बदलेंगी, अखलाक बदलेंगे, बंदगी बदलेगी,
नमाजें पढ़ लीजिए, अल्लाह के आगे झुक जाइए, इस्लाह की तरफ पलट आइए। अगर आफत को टालना चाहते हैं, इस आयत की सुन्नत के नुस्खे को समझ लीजिए। अल्लाह हमें समझने समझाने और ये पैगाम आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो वो किसी के टाले से नहीं टल सकती। और मेरा ख्याल है ये आज हम देख रहे हैं ना, अल्लाह के मुकाबले में कोई ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है? बड़ी बड़ी कौमें घुटने टेक गईं, बड़े बड़े हाकिम अहकमुल हाकमीन के आगे झुक गए, नाकाम हो गए, हार गए, थक गए। ये अल्लाह अहकमुल हाकमीन की ताकतें हैं, जब तक वो नहीं टालेगा तब तक नहीं टले। अल्लाह इस आफत को टाल दे, अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, अल्लाह इस परेशानी को टाल दे, अल्लाह इस वबा को टाल दे। अल्लाह अपनी रहमतों से ढांप के मेरी कौम को इस मसले का हल समझ के रब की बंदगी और इस्लाह की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा दे। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं। बिजली चमकती है तो क्या अंदेशे लाहक होते हैं? एक तो ये होता है कि पता नहीं बिजली कहीं गिरेगी, किसी घर को, किसी को नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरे अंदेशे होते हैं पता नहीं कितने से बादल आए हैं और कैसे बरसेंगे और कैसे जलथल होगा, कहीं सैलाब तूफान आएगा। और फिर कई दफा होता है कि कुछ मौसम, जैसे आजकल का मौसम है, फसलें पकी पड़ी हैं, तो उस वक्त ये घबराहट और परेशानी होती है कि अगर ये बारिश बरसी तो फसलें जो है बर्बाद होंगी। तो तुम्हें अंदेशे लाहक होते हैं और उम्मीदें बनती है। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज क्या करती है? ये कॉन्सेप्ट समझें, बादलों की गरज अल्लाह की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजते हैं और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाकई उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह सुभाना ताला इस आयत में वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि बादल और बादलों का गरजना अल्लाह की हम्दो सना का तरीका है। अल्लाह कुरान में ये बात हकीकत एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये बात का तस्करा करता है कि अल्लाह की सारी मखलूक दो काम बल्कि तीन काम करती है। एक तो ये कि सारी मखलूक अल्लाह की अतात और बंदगी करती है, अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर सिर्फ इन दो साहिब इख्तियार मखलूकात में। दूसरा, अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की हमदो सना, उसकी पाकी, उसकी बुजुर्गी, उसकी तस्बीहात करती है। और तीसरे, अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह के आगे सजदा रेज होती है। फरिश्ते तक ये तीनों काम करते हैं और अल्लाह की सारी मखलूक ये काम करती है। अल्लाह हमें भी जाकिर जबान अता फरमा दे, अल्लाह हमें बंदगी के तरीके सिखा दे, अल्लाह हमें अतात गुजार जिंदगी की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह कसरत से सजदे और क़ुर्ब इलाही को पाने की तौफीक अता फरमा दे। उसी को पुकारना बरहक है, लहू दावतुल हक, सिर्फ पुकारना है तो उसी को पुकारो। अगर आप देखें तो आज के हालात में पूरे के पूरे तरीके अल्लाह इन आयात में समझाता चला जा रहा है कि ये तकलीफ आई क्यों है, इस्लाह की तरफ पलटोगे तो तकलीफ पलटेगी, और फिर अगला काम क्या करो, लहू दावतुल हक, उसको पुकारो, झोली फैलाओ, गिड़गिड़ाओ, आजी करो और अपनी हाजत रवाई करो। और पुकारना किसको है? अल्लाह को पुकारना है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उनको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो तो इन दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। उन्हें पुकारना तो ऐसा ही है ना जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे तक पहुंचा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला तो नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं तो कुछ भी नहीं है मगर एक तीरे बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तौअन करहन सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए भी सुबह शाम उसके आगे झुक रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे कि सिर्फ उसको पुकारना हक है, और उसके अलावा अगर किसी और हस्ती को पुकारा तो वो क्या है? वो शिर्क और कुफर है। पुकारना दुआ सिर्फ अल्लाह का हक है, और दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाएगी। यहाँ मुझे वो वाक्या याद आ रहा है, एक बादशाह का वाक्या। वो बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकला, और शिकार के लिए निकला तो शिकार में ताकुब करते करते शिकार का अपने साथियों से अलग हो गया। अब जब वो अकेला और तन्हा हो गया तो ना उसके पास खाना था ना पानी था, जाहिर है वो उसके साथ के सवारों के पास था। अब जंगल में तन्हा है और वो भूखा और प्यासा भी है। जब भूख और प्यास ने
उसको सताया तो वो ढूंढते ढूंढते आगे एक चरवाहे के पास पहुंचा। चरवाहे ने जब इसको देखा तो उसको पिलाया, उसको खिलाया। अब ये चरवाहा इस बादशाह का मोहसिन बन गया और इसके एहसान का इतराफ भी बादशाह ने किया। और जाने से पहले उसने अपना तारुफ करवा के चरवाहे को ये भी कह दिया कि देखो तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो लिहाजा अब तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई मुश्किल पड़े तो तुम मेरे दरबार में बिला झिझक चले आना। और जब बादशाह अपने दरबार में वापस आया तो अपने दरबारियों से उस चरवाहे का नाम भी बता दिया, उसके हुलिये का तारुफ भी करवा दिया और ये भी बता दिया कि अगर इस हुलिये इस नाम का कोई चरवाहा आए तो उसको मेरे पास पहुंचने से ना रोका जाए क्योंकि वो मेरा मोहसिन है। अब जाहिर है इंसान की जिंदगी में हाजतें तो चलती रहती हैं। कुछ दिन गुजरे थे कि चरवाहे को कोई मसला दरपेश हुआ और उसको कोई जरूरत आई तो उसको ख्याल आया कि बादशाह सलामत ने तो मुझे, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लैंक चेक और ओपन ऑफर दिया था, तो मैं जाके अपनी हाजत बादशाह सलामत से बात करता हूँ। वो दरबार में पहुंचा, जैसे बादशाह ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी दरबारियों ने नहीं रोका और उसको सीधा बादशाह के पास जाने दिया। लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ हालत ऐसी थी कि बादशाह का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और जिस वक्त ये चरवाहा बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह जाए नमाज के ऊपर, नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के बाद अपनी झोली फैला के गिड़गिड़ा के रो रो के अपने बेटे की सेहतयाबी की अल्लाह से दुआ कर रहा था। ये चरवाहा कुछ देर तो बादशाह सलामत को देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर गिड़गिड़ाते हुए बादशाह को देख कर वो पलट गया। अब जब बादशाह अपनी दुआ सलाम से नमाज से फारिग हुआ तो दरबारियों ने उसे फौरन खबर दी कि फला नाम का फला हुलिये का वो चरवाहा आया था, हमने उसको रोका वो, लेकिन वो कुछ खड़ा होने के बाद चला गया। बादशाह ने फौरन ही अपने हरकारे भेजे, उसको बुलाया, वापस लाए और उसे पूछा कि तुम क्यों आए थे, क्या गरज थी और तुम क्यों चले गए। चरवाहे ने लहू दावतुल हक की हकीकत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे एक दुनियावी हाजत तो थी, मुझे एक ज़रूरत तो थी, मैं आपके पास आया कि मैं आपसे अपनी हाजत बयान करूं, लेकिन मैंने आकर देखा कि आप तो खुद अपने से बड़े एक हाकिम के आगे झोली फैला रहे हैं, तो मैंने ये मुशाहिदा करने के बाद ये फैसला किया कि फिर मैं भी उसी हाकिम से क्यों ना मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं। ये है लहू दावतुल हक, झोली फैलानी है तो उसके आगे फैलाएं। और फिर रमज़ान का महीना, दुआओं की कबूलियत का महीना, तहज्जुद के वक्त जब वो झोली हाथ फैलाकर कहता है कोई जो दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, रमज़ान के महीने में चलते फिरते उठते बैठते खड़े लेटे हर हाल में अपने लिए, दूसरों के लिए, गैरों के लिए, आफत के टलने के लिए, खैर के आने के लिए, बरकत के मिलने के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, मुल्क व कौम के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए कसरत से दुआएं करें और मजलूम उम्मत मुस्लिमा की दाद रसी के लिए भी फरियाद रसी को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। उनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। उनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुम उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज बना लिए जो खुद अपने लिए किसी नफा और नुकसान का इख्तियार भी नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर होता है, क्या रोशनी और तारीकी यकसा होती हैं, और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया। कहो हर चीज़ का खालिक तो अल्लाह है, वो यकता है सब पर गालिब। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। अल्लाह सुबहाना ताला का ये अंदाज़ कुरान में बहुत जगह नज़र आता है कि अल्लाह हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और हमारे जो इर्द गिर्द के मामलात हैं ना, उसमें से मिसाल और तशबीह और सिमिलीज़ के ज़रिए बड़े गहरे असूल समझाते हैं। तो यहाँ पर बारिश की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि जब बारिश बरसती है तो नदी नाले अपने ज़र्फ के मुताबिक पानी लेकर निकलते हैं, फिर जब सैलाब उठता है तो सतह पर झाग भी आ गए और ऐसे ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज़ इंसानों के लिए नफा बख्श है ना, वो ज़मीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। बड़ी खूबसूरत और गहरी बात है जो यहाँ से समझ लीजिए। पहले मैं आपको मिसाल समझाती हूँ, फिर तशबीह और सिमिली से क्या मुराद है वो समझाऊंगी। अल्लाह सुब्हान तआला बहुत जगह ये मिसाल बारिश के बरसने की मिसाल देते हैं। आप देखिए, जब बारिश आसमान से बरसती है तो ये पानी ज़मीन पर बहता है, मुख्तलिफ नदी नाले
अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी जो उनकी सलाहियत और इस्तेआत है उसके मुताबिक पानी लेकर निकलते हैं। नदियों नालों में थोड़ा और बड़े बड़े दरियाओं में ज़्यादा पानी निकलता है। अब जब नदी नालों में और दरियाओं में पानी बहता है तो फिर उनकी तह में पत्थर भी होते हैं। ये पत्थर जो छोटे और बड़े हैं ये पानी के बहाव के खिलाफ रुकावट डालते हैं और इस पानी के बहाव की रुकावट की वजह से दो चीज़ें पैदा होती हैं। पानी और पत्थरों में जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस रगड़ की वजह से एक तो झाग बनती है जो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है और दूसरी बात ये कि इस पानी के बहाव की वजह से वो पत्थर के अंदर से बारीक बारीक रेजे जो हैं वो कट जाते हैं और वो रेत की शक्ल में तय में बैठ जाते हैं। ये दो चीज़ें अल्लाह फरमा रहे कि ये जो सतह पर आने वाला झाग जो लोगों को नज़र आ रहा होता है ना, ज़ाहरी तौर पर वो फूल फूल के समुंदर की सतह पर, दरियाओं की सतह पर झाग आता है इन पहाड़ों के रगड़ की वजह, पत्थरों की रगड़ की वजह से ये टूट जाता है, एवेपोरेट कर जाता है, लेकिन वो जो मुफीद ज़रात हैं वो तह में बैठ जाते हैं। और आप सब इस बात को जानते हैं कि दरियाओं और नदी नालों की तह में जो बैठी हुई मिट्टी है वो बहुत जरखेज होती है। तो लिहाजा असल मिसाल से मुराद क्या है, अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में जहां पे भी बारिश का तस्करा फरमाते हैं और बारिश का तस्करा करते हैं उससे एक मुराद कुरान की तालीम की नशिस्तें और महफिलें हैं, क्योंकि बारिश भी रहमत है और बारान रहमत है। इसी तरह कुरान की तालीम क्या है, वो भी अल्लाह की रहमत। इस तालीम की वजह से अल्लाह की रहमत जो है वो शामिल हाल होती है। अब होता क्या है कि जब कुरान की तालीम की नशिस्त में एक मोमिन और एक मुसलमान बैठता और रहता है तो वो अपने अपने ज़रफ़ के मुताबिक, हम सब कुरान की नशिस्त से जुड़े हैं, सब बराबर फैज़ नहीं पाएंगे। अपने हालात, अपने ईमान, अपनी लगन, अपनी तड़प के लिहाज से कुरान की महफिल से फैज़ मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोग मुख्तलिफ ईमान से झोली भर के जाएंगे। अल्लाह हमें झोली भरने वाला बना दे और अल्लाह हमें खूब खूबी समेटने वाला बना दे। अब जब लोग कुरान की महफिल से जुड़ते हैं और कुरान की नशिस्त से जुड़ते हैं और फिर कुरान की तालीमात से फैज़ पा के अपने घरों और अपने अपने इलाकों की तरफ लौटते और पलटते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जब वो अपने इलाकों में जाके, अपने घरों में जाके अमल करते हैं तो फिर घर वालों की तरफ से, माशरे की तरफ से, बरादरी की तरफ से अपोजिशन, मुखालफत, रिएक्शन, रेजिस्टेंस, तनकीद, क्रिटिसिज्म का एक तूफान उठता है। यही बात अल्लाह समझा रहे हैं कि जब तुम कुरान को पढ़ने पढ़ाने के बाद, समझने समझाने के बाद, ए कुरान के तालिब इल्मों, जब तुम अपने इलाके में जाओगे तो मुखालिफत होगी, अपोजिशन होगी, तनकीद होगी, तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन क्या करना, रिलैक्स करना, ये जो मुखालिफत की झाग है ना ये उड़ जाएगी, ये मुखालिफत की फ्रिक्शन की, रेजिस्टेंस की जो झाग है ना ये थोड़ी देर रहेगी, ये झाग उड़ जाएगी। अरे आज के दौर में नोबडी हैज़ अ टाइम, नोबडी हैज़ द टाइम। आप पर्दा करेंगे, लोग चार दिन मजाक करेंगे, दो दिन मजाक करेंगे, फिर दे विल मूव अलोंग एंड देन कैरी ऑन देयर ओन लाइफ। तो ये अल्लाह समझा रहे हैं, इस मुखालिफत में कुछ दिन के लिए परेशान ना होना, साबित कदम रहना, ये मुखालिफत छट जाएगी। और फिर जो तुम्हें इस कुरान से फैज पाने के बाद जो मुफीद चीज़ें तुम्हें मिली हैं, जो तुम्हारा ईमान, जो दुरुस्त अकायद, जो आमाल स्वादिया, जो एहसान के पैगामात, जो तकवा का सबक, तवक्कुल और कनात का दरस तुमने इस कुरान से लिया होगा ना, ये मुफीद चीज़ें तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन के तुम्हें फैज पहुँचाएंगी। लिहाजा आयत दरस दे दी है कि क्या करना, वला यखाफून लौमत लाइन, किसी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र किए बगैर अल्लाह की अतात कर लेना और मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत ना करना। वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह सुबहाना ताला हमें ये नुस्खा समझ के साबित कदमी से समेना व अतवाना पर जमने और डटने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया उनके लिए तो भलाई है, और जिन्होंने कबूल नहीं किया, यानी मजाक में आके नहीं किया या गले के तौकों की वजह से नहीं किया, अगर वो ज़मीन की दौलत के भी मालिक हों और इतनी और भी फराहम कर लें तो वो खुदा के पकड़ने से बचने के लिए उनको फदिये में देने पर तैयार होंगे। दुनिया में तो ढेला देने पर तैयार नहीं होते ना, जब जहन्नुम का अजाब देखेंगे तो सभी कुछ देने पर तैयार होंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबें यसीरा, और उनका ठिकाना जहन्नुम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। भला ये कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम्हारे लिए नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इसकी हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों ही बराबर हो जाएं?
इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत और याद दहानी तो सिर्फ उलुल अलबाब यानी अक्लमंद सियाने और दानिशमंद ही हासिल करते हैं। अल्लाह के यहाँ अक्लमंदों और दानिशमंदों का तस्करा कुरान में बारहा आया। बहुत दफ़ा अल्लाह सुबहाना ताला ने सियानों, समझदारों, दानिशमंदों का तस्करा कुरान में किया है। यहाँ पर आज एक दफ़ा फिर उलुल अलबाब की सिफात बताई जा रही हैं। उलुल अलबाब की सिफात क्या हैं? उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं। अल्लाह के यहाँ सियाने समझदार कौन हैं? जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं। अल्लाह के साथ हम कौन सा वादा करते हैं? मुख्तसरन दोहराइए, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह से वादा है, अल्लाह तेरी बंदगी और अताअत के अलावा मैं किसी की बंदगी नहीं करूँगा। अशहदु अन ला इलाहा, जो हम नमाज में, तशहुद में किबला रू हो के हाथ उंगली तशहुद की उठा के हम कहते हैं ना, अल्लाह मैं तेरे दीन की गवाही दूंगा, मेरे अखलाक, मेरे मामलात, मेरा लिबास, मेरे अंदाज, खामोश, एलानिया गवाही देंगे तेरे दीन की, तो ये क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी अल्लाह से वादा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे अखलाक, मेरे मामलात, मेरी खुशियाँ, मेरी गमियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी, मेरा ब्याह इस बात की गवाही होगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्द हूँ, तो ये क्या है? ये भी अल्लाह से वादा है। ईया का नाबुदू, जो हम यहाँ पे हाथ बांध के कहते हैं, अल्लाह तेरी बंदगी के अलावा किसी की नहीं बंदगी करूँगा, ईया का नस्ताइन, तेरे सिवा हाजत रवाई किसी और से नहीं करूँगा, ये सब वादे। और फिर तकलीफ, दुख, मुश्किल आती है, जैसे आफत आई भी है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह अब नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह अब नाफरमानियां नहीं करेंगे, अल्लाह अब मस्जिदों जो हैं वो छिन गई, बंद हो गई, महरूम हो गए, अब मस्जिदों की आबादियां करेंगे। तकलीफों में जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, नंबर वन वो हैं जो अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं, ये समझदार है। दूसरी बात, उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन राबतों को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उनको कायम रखते हैं। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, अल्लाह ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है उसको जोड़ते हैं। अल्लाह ने किसको जोड़ने का हुक्म दिया है? हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ने जब रहमान ने रहम को बनाया था तो रहम को मुखातिब होकर फरमाया था, रहम रहमान से मुश्तक, मन वसला का वसल तो हूँ, मन कता का कतवा तो हूँ, ए रहम जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसे काट दूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउर रहम, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। तो सियाने वो हैं जो अपने रहम के रिश्तों को, माँ के पेट के रिश्तों को, खून के रिश्तों को, ब्लड रिलेशंस को, रिलेशंस ऑफ किन को जोड़ जोड़ के रखते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, कफकियाँ, नाराजगियाँ, कीने, कदूरतों से रिश्तों को बर्बाद करके नहीं रख देते। उसके बाद अगली सिफ्त, अपने रब से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरा हिसाब ना लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए क्या करते हैं? सब्र से काम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से इलानिया पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। ये जो सियाने समझदार हैं, जो दुनिया में ये रवैये अपनाते हैं, इनको क्या मिलेगा? आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है ना। कैसा होगा घर? ऐसा घर, ऐसे बाग जो उनकी अबदी क्याम गाहों में होंगे। ये आयत पढ़ के मुझे हमेशा एक बहुत खूबसूरत सा इम्पैक्ट समझ में आता है। आप देखें कि अल्लाह ने एक राय बताई कि ये लोग जो सियाने समझदार हैं, जो आखिरत की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, अल्लाह के वादे पूरे करते हैं, सिला रहमी करते हैं, तकवा करते हैं, हिसाब का डर करते हैं, सब्र लेते करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और लोगों की बुराइयों को भलाइयों से दूर करते हैं, फिर उनको जन्नत का घर मिलेगा। अब ये सियाने जब जन्नत के घर में गए हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वो खुद भी उसमें दाखिल होंगे, उनके आबाओ अजदाद, उनकी बीवियां और उनकी औलादें सब नहीं, जो सवाले थी, जो नेक और सवाले थी ना, वो सब उनके साथ वहां जाएंगे। फैमिली टाइम हो रहा है जन्ना के घर में, मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलामती हो। ज़ाहिर सलामती तो है जब वो जन्नत में दाखिल हो गए, तुम पर सलामती हो। क्यों मिला तुम्हें जन्नत का घर? बिमा सबरतुम, वो जो तुम दुनिया में सबर करते थे। हाँ, फनिअमा उक़बद्दार, तुम्हारा घर कितना अच्छा घर है। मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना तो मुझे हमेशा यूँ लगता है कि जैसे दुनिया में हम
अपना एक नया घर बनाते हैं ना, बड़ी मेहनत मुशक्कत करके पापड़ बेलने के बाद जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो एक हाउस वार्मिंग देते हैं, हमारे रिश्तेदार अजीजों अकारिब सब आते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी सब आते हैं, और फिर हमारे घर का एक एक कॉर्नर देख के कहते हैं, तुम्हारा ये कॉर्नर तो बहुत अच्छा है, तुमने ये ड्राॅइंग रूम तो बहुत अच्छा डिवेलप किया है, तुमने अपना सिटिंग एरिया तो बहुत रिफाइन कर लिया है और बहुत खूबसूरत उसकी फिनिशिंग है ना। फनेमा उकबा दार के कमेंट्स आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही वो सियाने। और सियाना कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या, आपने सवाल किया अक्लमंद कौन है, सियाना कौन है? आपने फरमाया सियाना वो है जो मौत को याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है। तो ये वो सियाने थे जो मौत के बाद की तैयारी कर रहे थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सियानों की ये कैफियत बताई तो ये सियाने जन्नत में दाखिल होंगे और जब उनको घर मिलाए तो यहाँ पर उनके सारे अगले पीछे और फरिश्ते और सारे अहले खाना उनको आके कह रहे हैं फनीअमा उकबतार, अल्लाह हमें ऐसा सियाना बना दे, अल्लाह हमें ऐसा समझदार बना दे, अल्लाह हमें जन्नत के इस घर का हरीस सौदागर और ताजिर बना दे, रब्बिबनी ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह हमें अपने अगलों पिछलों के साथ जन्नत के उस घर में जमा होने का जौक और शौक अता फरमा दे। वो क्या कहेंगे फरिश्ते, फनीअमा उकबतार, क्या ही खूब है ये आखरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, जो इन राब्तों को काट देते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं और उनके लिए आखरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की फराखी बख्शता है, जिसे चाहता है नपा तुला देता है। ये लोग दुनिया की ज़िंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह तो राज़िक है, ए राज़िक सबको रिज़्क़ के हलाल इज्जत आबरू और आसानी से अता फरमा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी अन हलालिका अन हरामिक व अग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह सुभाना ताला जो जो इस महफिल को सुन रहा है, अल्लाह उसकी जो जो रिज़्क़ की तंगियां हैं मुश्किलात हैं अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह आज के इस दज्जाली दौर में, इस मुश्किल दौर में अल्लाह जिस जिस को जो जो रिश्त की मसाइल हैं, अल्लाह कोई सूद में फंसा है, कोई मकरूज है, अल्लाह किसी को कारोबार की तंगी है, किसी को मुलाजमत की मुश्किलात है, अल्लाह सब के सारे मसाइल हल कर दे। अल्लाह हमारे बेटे, हमारे प्यारे, हमारे शौहर, हमारे दामाद, हमारे घरों के मर्द, अल्लाह जो आज के इस दज्जाली दौर में रिज़्क हलाल के लिए निकलते हैं, धूप छाओ गर्मी सारी दुश्वारियां बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी रहनुमाई फरमा, अल्लाह उनकी कोशिशों काविशों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह सुबहाना ताला जिनकी मुलाजमतें उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, अल्लाह जिनके कारोबारों में रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर फरमा दे। यार खमुर राखिमीन, अल्लाह हमारे घर के मर्दों के लिए रिज़्क़ हलाल का हसूल आसान बना दे, अल्लाह उनको लुक्मा हराम की पहचान अता फरमा दे, अल्लाह हमारी तजोरियों को हमारे दस्तरखानों को अल्लाह लुक्मा हराम से बचा ले। यार खमुर राकमीन, अल्लाह सुबहाना ताला तू जितना देता है, ख़वातीन हैं हम, घर वालियाँ हैं, हमें तू जितना दे अल्लाह उसमें सब्र शुक्र तवक्कुल और कनाज से सादगी और इज्जत से ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखा। ये लोग हैं जिन्होंने रसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि उस शख्स की तरफ से, उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी? कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। अब अल्लाह का एक और कायदा और एक और असूल जिसको मैं आज हल्का सा आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो लोगों को बहुत परेशान करती है। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसको दिखाता है जो उसकी तरफ रजू करता है। यहाँ पर भी आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी ये आयत बार बार आएगी, याहदी मैं यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। ये आयत जब कुरान में बार बार आती है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।
नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला मिन ज़ालिक। कुछ लोग ये यहाँ तक कहते हैं कि ये तो फिर नाउज़ुबिल्ला बहुत ही कोई धांधली और नाइंसाफी सी हो गई, अल्लाह जिसको चाहेगा हदायत देगा, हदायत देने के बाद फिर खुद ही उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। हाँ कि ये तो बहुत ही कोई ज्यादती किसी बात होगी, जिसको चाहेगा गुमराह करेगा फिर उसको खुद ही जहन्नुम में डालेगा, जिसको चाहेगा हदायत देगा फिर खुद ही उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, ये तो कुछ ज्यादती सी हो गई। असल बात ऐसी नहीं है। ये क्यों अल्लाह सुभाना ताला ऐसे कहते हैं, इसकी दो वजूहात तफसीर में आती है। एक तो ये ना अल्लाह अहकमुल हाकमीन मालिकुल मुल्क के बात करने का ना एक शहाना सा अंदाज, अल्लाह उस शहाना अंदाज में कहता है मैं जिसको चाहता हूँ हदायत देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ गुमराह कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि यह नुस्खा समझना और जानना जरूरी है कि अल्लाह हदायत किसको देता है और अल्लाह गुमराह किसको करता है। तीन बातें याद रखिएगा, अल्लाह हदायत उसको देता है जो अपने लिए हदायत चाहता है, हदायत के तालिब को, हदायत के तालिब को उसके लिए चाहने वाले को हदायत देता है। दूसरी बात, अल्लाह उसको हदायत देता है जो सिर्फ चाहता और तलब नहीं करता, फिर हदायत के लिए झोली फैलाता है, मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं करता है, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन की दुआएं करता है, फिर मांगता है। तीसरी बात यह कि अल्लाह हदायत उसको देता है जो चाहने और मांगने के बाद अपने घर में उसी जगह पे बैठा नहीं रहता, बल्कि हदायत की तलाश में निकलता है, जस्तजू करता है, सही करता है, कोशिश करता है, दौड़ धूप करता है, और वो यहां से समझ में आ रहा है। अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और पढ़े क्या कह रहे हैं, वयाहदी इलैही मन अनाब, अपनी तरफ आने का रास्ता उसको देता है जो अल्लाह की तरफ रजू करता है, और रजू करने वाले को तो फिर वो अपनी शान से हदायत देता है। हदीस में आता है ना कि अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब मेरी तरफ आता है एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ 10 हाथ आता हूँ, मेरा बंदा चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला हम रमज़ान की इन घड़ियों में, दौरे कुरान की इन महफिलों में तेरी तरफ पलटेंगे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी साथियां, हम तेरी तरफ पलटेंगे। अल्लाह हमें थाम लेना, अल्लाह हमें थाम लेना, हमें अपना बना लेना, अल्लाह हमें अपने रंग में रंग लेना, अल्लाह हमें ऐसा बना देना कि हम तुझे पसंद आ जाए, अल्लाह हमें ऐसा बना देना कि तू हमसे राज़ी हो जाए। तो मेरी बहनों ये हदायत का नुस्खा है कि अल्लाह हदायत उसको देता है जो उसकी तरफ रजू करता है और हदायत के लिए कोशिश करता है और निकलता है। इस बात की आयत की तशरीह के लिए मैं आपको वाक्या सुनाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सईद बिन जैद, ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बहनोई थे, और ये वो सहाबी हैं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के कबूले इस्लाम की बुनियादी तौर पर वजह बने थे, ये मुतहर्रिक मोरा बने थे हजरत उमर के कबूले इस्लाम का। हजरत सईद बिन जैद के वालिद हजरत जैद बिन अमर नुफैल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मक्का में आबाद थे, और जिसे कहते हैं ना कुछ लोग बहुत ही सलीम फितरत होते हैं, तो बहुत ही सलीम फितरत और बड़े सलीम फितरत नफ्स रखते थे। और ये जब मक्का में इर्द गिर्द जुल्म, ज्यादती, नाफरमानी, बेखयाई, शराब, सूद जैसे मक्का की कंडीशंस प्रेविलेंट थी, इनको देखते थे ना तो बहुत ही कुड़ते थे और बहुत परेशान होते थे, और इनके दिल में हक की और हदायत की एक तड़प और एक लगन और एक लौ लग गई थी। ये मक्का से निकले कि मैं मक्का से निकलता हूँ, किसी दूसरी बस्तियों में जाता हूँ और पूछता हूँ, देखता हूँ कहीं तो अल्लाह की कोई रहनुमाई और हदायत होगी कि इंसानियत को इस गुमराही के गड़े से निकाल सके। हदायत की तलब में ये मक्का से निकले। अब जब मक्का से निकले तो मक्का के बाहर ईसाइयों की एक बस्ती में पहुंचे, और वहां ईसाइयों के एक पादरी और एक राहिब से मुलाकात हुई, और उनको अपनी रुदाद और अपनी वो जो एक तड़प और एक लगन थी उसको डिस्कस करके उनको बताया कि मुझे बताएं कि ये रहनुमाई और ये नूरे हदायत कहाँ से मिल सकता है। वो जो मिशन का, वो चर्च का जो पादरी था, उसने पूछा कि आप किस इलाके से आए हैं। इन्होंने मक्का की बस्ती का तस्करा, उम्मुल कुरा की वादी का तस्करा जब किया, तो उस पादरी ने, चूंकि उनके पास तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की अलामात मौजूद थी ना, तो उस पादरी ने हजरत जैद से ये कहा कि आप उसी इलाके की तरफ लौट जाइए, उसी मक्का की बस्ती की तरफ लौट जाइए जहां से आप आए हैं, क्योंकि वहीं पर अब नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होने वाला है जो हक के पैगंबर बन के आएंगे। अब ये फौरन मक्का की बस्ती की तरफ वापस तो पलटे, लेकिन
मौत ने मोहलत ना दी। रस्ते में काफिला पकड़ा गया, लूटा गया, बहुत ज्यादा मारे गए और जख्मी हो गए। जब इतने ज्यादा जख्मी हो गए कि उनको जिंदगी की उम्मीद ना रही, तो उस वक्त इन्होंने हाथ उठा के आसमान की तरफ निगाह की और हाथ उठा के इन्होंने दुआ की। और दुआ क्या थी, याद रखिएगा, ये कौन है, ये एक मुसाफिर है। मुसाफिर की दुआ, आगे इंशाल्लाह दुआ की कबूलियत के आदाब पर बात होगी। ये मुसाफिर है और ये मजलूम है। आपने फरमाया था मजलूम की बददुआ से बचो, क्योंकि वो तो अल्लाह की अर्श तक पहुंचाई जाती। ये मुसाफिर है, ये मजलूम है, और फिर मुसाफिर किसका रहा है, हक की तलाश का मुसाफिर। और फिर ये एक बाप है जो अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। सारे के सारे फैक्टर्स वो हैं जो कबूलियत दुआ के फैक्टर्स हैं। इन्होंने हाथ उठा के आसमान की तरफ निगाह उठा के दुआ की, इलाही मैं तो नबी आखिर जमां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन पर उनकी मुलाकात और उनकी दीद से महरूम रहा। इलाही मेरे बेटे सईद बिन जैद को उन पर ईमान से महरूम न रखना। ये मुसाफिर मजलूम राहे हक के मुसाफिर वालिद, जिनके दिल में हक की हदायत की तड़प थी, जिन्होंने हक की दुआ मांगी, जिन्होंने हदायत के लिए सही और कोशिश की, इनकी दुआ इनके बेटे के हक में ऐसे कबूल हुई कि ये साबिकून अल अव्वलून में से थे, ये भी और इनकी ज़ौजा भी, और फिर ये उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला इनके ईमान की वजह भी बने। तो ये अल्लाह का हदायत का नुस्खा है। सिर्फ हदायत अल्लाह किसको देगा, जो चाहेगा, जो मांगेगा और जो कोशिश करेगा। अल्लाह इस रमज़ान में हमें कोशिश और सही करने की और कसरत से दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कुरान से छोड़ ले, अल्लाह गुमराहों को हदायत अता फरमाते, अल्लाह गुमराहों को हदायत अता फरमाते, अल्लाह कुरान से महरूमों को कुरान अता फरमा दे। अल्लाह हमारी नस्लों में, अल्लाह हमारी नस्लों में किसी को कुरान से महरूम न रखना। अल्लाह हमारी जिंदगी का वो दौर जो कुरान से दूरी में गुजरा, अल्लाह उसको माफ कर दे, उसकी कमियों कोताहियों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारी नस्लों में सबको हामिले कुरान, आमिले कुरान और सबसे बढ़ के अल्लाह आलिम कुरान बनाना। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाना। ऐसे ही वो लोग हैं जिन्होंने उसके नबी की दावत को मान लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। बड़ी खूबसूरत है ये आयत, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। सुन रखो, जान लो, खबरदार हो जाओ। सकीना कल्ब और इत्मीनान कल्ब का नुस्खा बता रहा है अल्लाह। मेरा रब कह रहा है कि दिलों को अल्लाह की याद से और जिक्र से इत्मीनान नसीब होता है। जिक्र इलाही सकीने और इत्मीनान कल्ब का जरिया बताया जा रहा है। मेरा रब कह रहा है, इत्मीनान चाहते हो, मुतमईन होना चाहते हो, पुरसकून होना चाहते हो, सकीना चाहते हो अपनी जिंदगी में, कहां टकरे मारते फिर रहे हो, कहां टटोलते फिर रहे हो, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जिक्र, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें सकीना। आज आप देखें कि मेरा ख्याल है कि सुकून की कमी शायद लोगों का सबसे बड़ा सानिखा है, सबसे बड़ा एक इशू और सबसे बड़ा क्राइसिस। लोग बेसकून है, टेंशन, एंग्जाइटीज, घबराहटें, परेशानियां लीडिंग अप टू नर्वस ब्रेकडाउन्स एंड पैनिक अटैक्स, ये आज शायद सबसे बड़ी तकलीफ। और खाते पीते तबके की तो सबसे बड़ी घबराहटें, परेशानियां, एंग्जाइटीज और नर्वस ब्रेकडाउन्स। और फिर एंग्जाइटीज को और परेशानियों को दूर करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। कोई ज्यादा अच्छा पहन के, अच्छा खा के, घूम के, फिर के, सैरो सियाहत करके, दुनिया के चक्कर लगा के, बड़ी सी कोठी बना के, ज्यादा सी गाड़ियां खरीद के, हाँ, बहुत सी तिजोरियों में माल जमा करके, पता नहीं क्या क्या करके, और कोई कुछ नहीं तो नशे की गोलियों के फक्के मार के अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा रब कहता है, अरे सुकून को तलाश करने वालों, कहीं नहीं मिलेगा। सकून को तलाश करते हो, कहीं नहीं मिलेगा। यह सकून तुम्हें अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राजिक, अपने रब के जिक्र में मिलेगा। मैं कई दफा बात एक मिसाल से समझाती हूँ। मसलन आप देखें कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, चलने वाला, वो जब गिर जाता है और वो रोता है, उसको चोट लग जाती है, किसके पास जाके चुप होता है? माँ के पास ना, बाप के पास, अपने ऑरिजिन के पास, अपने सोर्स के पास। बस यही बात है, जब किसी को कोई चोट लगती है
जिंदगी में कोई दुख गम परेशानी घबराहट का जरिया बनता है तो सुकून कहाँ मिलेगा? अपने क्रिएटर, अपने मालिक, अपने खालिक, अपने राजिक, अपने रब के जिक्र के साथ। ये है वो जिक्र इलाही, जब दिल में अल्लाह की याद होगी और जबान पे अल्लाह का नाम होगा, यही दिलों को सकीना देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खूब ही फरमाया। एक तो आयत बता रही है कि ये दिलों को सुकून देगा, हदीस इसकी मजीद तशरीह फरमा रही है। आपने फरमाया कि हर इंसान के दिल के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में उसका फरिश्ता और एक हिस्से में उसका शैतान। और जब इंसान जिक्र करता है तो उसका फरिश्ता, उसका शैतान वहां से भाग जाता है, और जब वो जिक्र छोड़ता है तो फिर उसका शैतान आता है, उसके दिल के हिस्से पे चोंच रखता है और उसके दिल में एक वसवसा डाल देता है। और शैतान कौन से वसवसे डालता है? नाउम्मीदी के, मायूसी के, घबराहट के, एंग्जाइटी के, टेंशन के। तो जब तक हमारे जबानों पर जिक्र होगा, एक तो इत्मीनान इस हवाले से भी होगा और शैतान की गंदगी से भी बचेंगे। और वैसे भी हदीस बताती है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया, मेरे बंदे के लब जब मेरे जिक्र में हिलते हैं उस वक्त मैं अपने रब, अपने बंदे के करीब तरीन होता हूँ। तो ये वो जिक्र कि जब दिल में अल्लाह की याद और जबान पे अल्लाह का नाम, तो दिल में सकीना, शैतान के वसवसों से निजात और फिर अल्लाह का कुर्ब, ये सकून का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इसीलिए दुआ मांगा करते थे, रब्बी आईनी, अल्लाह मैं खुद तो नहीं कर सकता, तू मेरी मदद फरमा, आईनी अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत। याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र और शुक्र की तौफीक मांगते थे और फिर इबादत में हुस्न की तौफीक मांगते थे। ये बात याद रखिएगा, अगर जबानों पर जिक्र और दिल में शुक्र होगा तभी इबादत में भी हुस्न होगा। अल्लाह ने फरमाया, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की याद वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान होता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब है और उनके लिए अच्छा अंजाम है। इसी शान से हमने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम उन लोगों को वो पैगाम सुना दो जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि अपने मेहरबान रब के काफिर बने। उनसे कहो वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मावा और मलजा है। और क्या हो जाता अगर कोई कुरान ऐसा उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारे का सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी कुफार की तलब में जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारों को ही हदायत दे देता। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया अख्तियार किया है, उन पर उनके करतूतों की वजह से। अब फिर दूसरी दफा गौर से सुन लीजिए, आज के सबक में अल्लाह दूसरी दफा फिर दोहरा रहा है कि आफतें क्यों आती हैं। आज जो इतनी बड़ी चेमगोइयां चल रही हैं ना, ये चेमगोइयां पढ़ने की बजाय इन चीजों को पढ़िए कि आफतें क्यों आती हैं। अल्लाह फरमाता है के लोगों पर उनके करतूतों की वजह से, तुम्हारे अपने कसब होते हैं, तुम्हारे अपने रवैये होते हैं, तुम्हारे अपने अंदाज और अपने अमाल और तुम्हारी सरगर्मियां होती हैं कि जिनकी वजह से कोई ना कोई आफत आती रहती है। कभी सैलाब होते हैं, कभी जलजले होते हैं, कभी तूफान होते हैं, कभी माशी बहरान होता है, कभी दुश्मनों का हमला होता है, कभी एक छोटा सा जरसूमा होता है, लेकिन ये तुम्हारी करतूतों की वजह से आफत आती रहती है या उनके घर के करीब ही कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर हमने हमेशा मुनकरीन को ढीली दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक मुतनफ़िस की कमाई पर नजर रखता है, उसके मुकाबले में ये जसारतें की जा सकती हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक बना लिए हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो अगर वाकई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो जरा उनके नाम तो लो, वो कौन है? क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में जानता ही नहीं है, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कहते जाते हो? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया है, उनके लिए उनकी मकारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्ते से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है और आखरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है।
कोई ऐसा नहीं जो उन्हें खुदा से बचाने वाला हो। मुत्तकियों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके पल हमेशा दायमी हैं, उसका साया लाजवाल है। ये अंजाम है मुत्तकियों का। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, छोटी सी दुआ है। आप कुरान में देखेंगी कि सबसे ज्यादा एक दिल की हालत और जज्बा जो जन्नत के हसूल के लिए कुरान बार बार जिक्र करेगा वो तकवा है। तो ये छोटी सी दुआ है, मैं आज पहले आपको शुरू में बता रही हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, आती तू दे दे नफ्सी, मेरे नफ्स को तकवाहा, अपना तकवा। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, उसके फल भी दायमी होंगे, उसका साया भी लाजवाल होगा। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का। मुनकरीन हक का अंजाम यह है कि उनके लिए दोजख की आग है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये दुआ भी याद कर लीजिएगा, इसको अफ्तार के वक़्त भी रूटीन में पढ़िएगा, और वैसे इसको फजर के बाद और मगरिब के बाद 7 दफ़ा पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस की ताकीद से साबित है। और ये भी याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 दफ़ा जहन्नुम से निजात की दुआ मांगता है फिर जहन्नुम उससे निजात की सिफारिश करती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ ग्रोहों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बाज़ बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो, मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया और इससे मना किया गया कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराऊं, लिहाजा मैं इसी की तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हदायत के साथ हमने ये फरमान अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना उसकी पकड़ से तुम्हें कोई बचा सकता है। तुमसे पहले भी हमने बहुत से रसूल भेजे हैं, उनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज था ना कि ये कैसे रसूल हैं, इनके बीवी हैं, बच्चे हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाजारों में फिरते हैं। तो इतराजात के जवाब, किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर कोई निशानी लाए। हर दौर के लिए किताब है, अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है, जिसे चाहता है उमुल किताब में उसके पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं ना, उसका खा कोई हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारे जीते जी दिखा दें या उसके जहूर में आने से पहले ही हम तुम्हें उठा लें। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई उसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं, और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबें यसीरा। उनसे पहले जो लोग हो गुजरे वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह के हाथ में है। वो जानता है कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है, और अनकरीब ये मुनकरीन हद देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है और हर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। अल्लाह हमें भी इस आसमानी किताब का इल्म अता फरमा। मिलके दुआएं मांग लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यन्फ़उनी व ज़िदनी इल्मा। اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا يخشع من دعوة لا يستجاب له। अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको कुरान और हदीस का इल्म और फहम अता फरमा। जो पढ़ते हैं इस पर हमें शक और तरद्दुद से बचा, जो सुनते हैं उस पर कामिल ईमान अता फरमा, जो ईमान आए उस पर समेना व अतवाना करके सराते मुस्तकीम पर चलना हम सबके लिए और हमारी औलादों के लिए आसान बना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सूरा इब्राहिम मक्की सूरत है, 7 रकुआत और 52 आयात। तरतीब के एतबार से
चौदहवें 14th नंबर पर और नजुली एतबार से 72nd नंबर पर आने वाली सूरत है। और आयत नंबर 35 में इस कौला इब्राहिम रब्बे जअल हाज़ा बलदन आमना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बस्ती के लिए दुआ की तो उस दुआ का तस्करा। ज़माना नज़ूल देखें तो तकरीबन उसी दौर में नाजिल हुई है जिसमें सूरह राद नाजिल हुई है, और इसमें भी इसका बुनियादी मज़मून तौहीद, अकीदा रसालत और अकीदा आखरत है, और शुक्र का भी इसमें तस्करा किया गया है। पीछे हमने ज़िक्र का तस्करा किया मुख्तसर, इन चीज़ों पर इंशाल्लाह वजाहत से बात, ज़िक्र शुक्र सब्र पर, इन टॉपिक्स पर इंशाल्लाह आगे वजाहत से बात होती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है, यानी ये जो तुम बुक पढ़ रहे हो ये एक किताब है जिसको हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम्हारी तरफ नाजिल की है। क्यों नाजिल की है? ताकि तुम लोगों को जुलुमात से, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आओ अपने रब की तौफीक से, उस खुदा के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है। आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने बड़ी जामियत से अपना, अपने हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का तारुफ करवाने के बाद उनके नजूल का मकसद बताया, सरातुल हमीद जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता और फिक्र आखरत की तरफ बड़े एहतमाम से माइल कर दिया। अगर आप आयत देखें तो इसमें अज़ुलुमात, अंधेरों का तस्करा है। अंधेरे बहुत से, अंधेरे बहुत से हैं, कुफर के, शिर्क के, लाइल्मी के, जहालत के, जुल्म और ज्यादती के, हक तल्फी के, और फिर सबसे बढ़ के नाउमीदी के, मायूसी के, डिप्रेशंस के, एंग्जाइटीज और टेंशंस के, ये सब अंधेरे और अंधेरे बहुत से। अंधेरों की दलदलों में लोग डूबे हैं और टामक टोइयां मार रहे हैं, लेकिन अन्नूर, नूर, रोशनी, उजाला एक ही है। वो कौन सा है? अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। बहुत से अंधेरों को मिटाने का जरिया भी एक, वो खालिक और मालिक वो ही है। अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, वफी समई नूरा, वफी बसरी नूरा, वई यमीनी नूरा, वई यसारी नूरा, वफौकी नूरा, व तख्ती नूरा, व इमामी नूरा, व खल्फी नूरा, वजअली नूरा। अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह हमारे सीनों को इस कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह हमारे घरों के आंगनों को इस कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे। हमारे गली कूचों को अल्लाह, हमारे माशरे के गली कूचों को इस कुरान के नूर से मुनव्वर करके, इस हदीस के इत्र से मुअत्तर कर दे। और अल्लाह हमें निफाज़े इस्लाम की बहार हमारी ज़िंदगी में दिखाकर हमारी आँखें ठंडी कर दे। अल्लाह इस नूर के गलबे में हमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। वो जो शायद आज के जवान बच्चों ने तो अपने स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ा, हमने अपने बचपन में बहुत ही पढ़ा, वो इलामा इकबाल की वो नज़म, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे और आपको लगातार तलब और तड़प देती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला हम इस नूर को पहचाने और इस नूर को आम करने में तौफीक, हमें बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जो ज़मीनों आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है। सख्त तबाहकुन सज़ा है जो कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, चाहते हैं कि रास्ता उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए। हमने अपने पैगाम देने के लिए जब भी कोई रसूल भेजा, उसने अपनी कौम की ज़बानी में पैगाम दिया ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल के बात समझाएं। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, जिसे चाहता है हदायत बख्श देता है, और वो बालादस्त और हकीम है। असूल समझ आ गया ना? मैंने आपको बताया था कि आयत बहुत दफ़ा आएगी, अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। अब आज के बाद आपने परेशान नहीं होना और आपने ये तसव्वुर समझ लेना है। हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, उससे भी हमने यही हुक्म दिया था कि
अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ला और उन्हें तारीक इलाही के सबक आमोज वाक़ियात सुनाकर नसीहत कर। इन वाक़ियात में बड़ी निशानी है हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला है। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया है, उसने तुम्हें फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुम्हें सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा बचाते थे, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बारहा कुरान में हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर लिया। आयत पढ़े सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुभान तआला ने बहुत ही खूबसूरत सा एक नुस्खा बताया है। इस तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने किस बात का इज़्ज़त दे दिया है, क्या बात बता दी है, ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, अलबत्ता जरूर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, वाला इन कफरतुम मिन्ना अज़ाबी लशदीद, और देखो अगर तुम ना शुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह अपनी एक और सुन्नत बता रहे हैं और उसके ज़रिए एक चीज़ की तरफ दावत और एक चीज़ से रोकने का पैगाम समझा रहे हैं, शुक्र की दावत और नशुक्री से बचने का हुक्म। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहमान है। अल्लाह सुभान व तआला खुद कुरान में फरमाता है ना, वा आता कुम मिन कुल्ली मा सअलतुमु, तुम जो सवाल करते हो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। वाइन तुद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम नेमतें मेरी गिनना चाहोगे ना तो तुम इसे शुमार नहीं कर सकते। मुझे बताइए क्या नेमतें अल्लाह की गिन सकते, शुमार कर सकते, काउंटलेस एंडलेस इतनी ज्यादा नेमतें। और मैं तो कई दफा ये बात करती भी हूँ और दिल से इस बात को और हकीकत को कहती भी हूँ, और आप भी मेरे साथ इस बात में एग्री करेंगे कि जितनी नेमतें हमने अल्लाह से मांग के ली हैं उससे ज्यादा नेमतें वो हैं जो हमें मेरे रब ने बिन मांगे दे दी। और फिर जितनी नेमतें रब की दी हुई, जितनी नेमतों का मुझे और आपको एहसास है ना कि हमारे पास है और हमारे इल्म में, उससे ज्यादा नेमतें वो हैं जिनका मुझे और आपको इल्म ही नहीं कि अल्लाह ने हमें दे रखी। तो वो रब जिसने इतनी नेमतें दी हैं कि हमारे बिन मांगे दी हैं, हमारे जाने बगैर हमें नेमतें दी हैं, वो रब हमें और आपको यहाँ पे अपना एक नुस्खा बता रहे हैं कि जब तुम नेमत मैं तुम्हें दूंगा और तुम शुक्र करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें और नेमतों से नवाजता चला जाऊं। लेकिन अगर मैं तुम्हें नेमत दूंगा और तुम नशुक्री करोगे, शुक्र का मतलब क्या है, अल्लाह की नेमतों का इतराफ, अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज करना, उनका इतराफ करना, दिल से करना, जबान से करना, अमल से करना। इंशाल्लाह शुक्र पर मैं आगे जाके बहुत वजाहत से बात करूंगी और बहुत ज्यादा इस पे बात होती भी रहेगी, क्योंकि शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इबादत है, एक रूहानी इबादत है और जाहिर है एक सेहतमंद जहन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नुस्खा कि अल्लाह कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूंगा, मैं तुम्हें चीजें दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, और तुम उनको एक्नॉलेज करोगे, तुम उनको मेंशन करोगे, तुम उनको याद करोगे, मैं तुम्हें और ज्यादा देता जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें नेमतें दी और तुमने उनको इनक्लॉनिश ना किया, उनका तस्करा ना किया, उनको एक्सेप्ट ना किया, उनको याद ना रखा, तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त होगा। शुक्र हुक्म खुदाबंदी भी अल्लाह ने फरमाया ना, वश्करूली वला तकफुरूनी, मेरा शुक्र किया करो, मेरे नेमतों का इनकार और कुफरान नेमत ना किया करो। शुक्र वो चीज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था ना कि हम अब सोने चांदी के ढेर तो जमा नहीं करते, हम क्या जमा करें, तो आपने फरमाया था तीन चीजें हैं जो जमा करने के लायक, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल और सब्र करने वाला जिस्म। और फिर इसी तरह आपने कहा हदीस में फरमाया कि जिसको चार चीजें मिल गई उसको गोया वो खुशबख्त तरीन है, वो शख्स खुशबख्त तरीन है, वो शख्स जिसको चार चीजें मिल गई, जाकिर जबान, शाकिर दिल, साबिर जिस्म और दीन के मददगार अज़वाज। अल्लाह सुभाना ताला हमें और हमारी औलादों को ये चारों नेमतें अता फरमा दे। तो लिहाजा ये वो शुक्र है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते हैं, रब्बी आईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, अल्लाहुम्मा जालनी सबूरन व जालनी शकूरा, की शक्ल में आप शुक्र मांगते हैं। ये बात याद रखिए कि लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है शुक्र करने की, हम क्यों करें शुक्र, बच्चों को ये दफा समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको ये समझाया इफ यू वांट कि आपके पास अल्लाह की और नेमतें आए तो पिछली नेमतों का शुक्र करें, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से बचे तो भी अल्लाह की नेमतों को, स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। और मैं आपको बताऊं कि शुक्र अल्लाह की वो नेमत है, शुक्र अल्लाह की वो दौलत है कि जो शख्स इस दौलत से माला माल है ना वो कभी फकीर मस्कीन और मोहताज नहीं होता, और जो दौलत शुक्र से महरूम है ना वो हर हाल में मस्कीन फकीर और मोहताज रहता है। वो शख्स जिसके पास शुक्र की नेमत और शुक्र की दौलत है ना, अगर वो बहुत थोड़ी उसके पास नेमतें हैं
और बहुत ज्यादा चीजों से वो महरूम है, और बस बहुत चंद उसके पास नेमतें हैं, लेकिन उन नेमतों में एक नेमत उसके पास शुक्रगुजार दिल है। तो याद रखिएगा, इतनी लाखों करोड़ों कसीर महरूमियों और मोहताजियों के बावजूद वो जो शुक्रगुजार है ना, वो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है, शादा है, फरहा है, कंटेंटेड है, राजी बरजा और मुतमईन है। और वो शख्स जिसके पास लाखों करोड़ों एंडलेस काउंटलेस ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसके पास शुक्र की नेमत और दौलत नहीं है, वो हर वक्त रो रहा है, ढो रहा है, क्रिबिंग, बिकरिंग, बॉदरिंग, ग्रम्बलिंग, टेंशन, एंग्जाइटी, ये है इन्ना अजाबी लशदीद। को शुक्र करोगे तो मैं उस नशुक्री की वजह से तुम्हारी जिंदगी दूभर और इछीरन कर दूंगा। अल्लाह सुबहाना ताला हमें हर मौके पर, हर जिंदगी के शोबे पर, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास नेमतें होती हैं और हम शुक्र करते हैं ना, तो फिर मजीद बाकी की नेमतें नजर भी आने लगती हैं। और मैं इस मामले पे वो अपनी जिंदगी का एक तजर्बा भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे याद है बचपन में ना, इन्ना अजाबी लशदीद वाला इन शकर तुम का तसव्वुर मुझे समझ आता है उस खातून से। हमारे बचपन में हमारे घर में मेरे वालदा के पास एक खातून आती थी, और बड़ी गरीब और मस्कीन सी थी, और पता नहीं उसके 6-7 बच्चे थे, और उसका मियाँ जो था वो भी कोई नशा करता था और कोई काम नहीं करता था, उसको मारता पीटता भी था, इसके पैसे भी दे जाता था, गरीब मस्कीन सी थी और बिल्कुल कमज़ोर सी, धान पान सी, फटे हुए कपड़े होते थे, टूटी हुई कैंची चप्पल पहनी भी होती थी, और बहुत दफ़ा उसका दुपट्टा भी ऐसा फटा हुआ होता था कि सुराखों को बांधने के लिए वो गिरे बांध बांध के बेचारी कपड़ा पहन लेती थी। अब इसका मुझे याद है कि इस हालत में वो जो लोगों के घरों में बर्तन मांजती पिटती थी, मेरी वालदा ने उसको जब पूछना कि तुम्हारा क्या हाल है और किस हाल में हो, तो उसका एक ही जुमला होता था कि वो शुक्र की दौलत है। बाजी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत देता है। बाजी अल्लाह का शुक्र है नैन प्राण सलामत ने, कि मेरे हाथ पाँव सलामत है, मैं कमा तो रही हूँ। मतलब इट इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। शुक्र का ताल्लुक नेमतों की कसरत या महरूमी के फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं, ये थॉट प्रोसेस है, ये सोच का अंदाज है। और जब सोच का अंदाज जो है वो शुक्रगुजारी का होगा ना, तो फिर इंसान हर हाल में शाद। मुझे याद है वो यही कहा करती थी, बाजी राती खा के सोने, नैन प्राण सलामत ने खा के सोने, शुक्र है अल्लाह का बड़ा देता है। ये वो शुक्रगुजार था, उसको अपनी नेमतें नजर आ रही थी और वो खुश थी, मुतमईन थी, पुरसकून थी। इसके मुकाबले में एक महलों में रहने वाली अगर नशुक्री है, तो वो हर हाल में नशुक्री करने वाली अल्लाह के अजाब से दो चार है। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम कुफर करोगे और जमीन के सारे भी काफिर हो जाए ना, तो अल्लाह बेनियाज है और अपनी जात में आप महमूद है। पीछे अल्लाह ने शुक्र की तरफ माइल किया, जिक्र की तरफ माइल किया, और अब अल्लाह ने कहा कि मैं गनी हूँ, मैं गनी हूँ। अल्लाह कितना गनी है, उसको हमारे जिक्र की, हमारे शुक्र की, हमारी अताअत की, हमारी बंदगी की, हमारी तस्बीहात की हरगिज जरूरत नहीं। हदीस सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम तुम तुम्हारे अगले पिछले सब जिनोइंस, तुम में से जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है ना, वो उसकी तरह भी हो जाएं, तो मेरी हुकूमत में कोई कमी नहीं होगी। और ए इब्ने आदम तुम जिनो इंसान सब, तुम्हारे अगले पिछले तुम में से जो सबसे ज्यादा नेकोकार है ना, तुम उसकी तरह भी हो जाओ, तो मेरी कायनात में कोई इजाफा नहीं होगा। अल्लाह को हमारी बंदगी की, हमारी इबादत की, हमारी नमाजों की, हमारे सजूद की, हमारी जिक्र की, हमारी तस्बीहात की, हमारे जिक्र और शुक्र की जरूरत नहीं है, अगर है तो वो मुझे और आपको है। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, कौम नू, आज, समूद और उसके बाद वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है, उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए, तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम तो उसे नहीं मानते, और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ से तो हम सख्त खिलजान हमें शक में है। आपने फरमाया था ना, शक से बचो, क्योंकि शक ही ने पिछली कौमों को बर्बाद किया। अल्लाह हमें शक से बचाए और शरा सदरों के कुरान के अहकाम को मानने की तौफीक अता फरमाए। उनके रसूलों ने
कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुम्हें एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से चली आ रही है? अच्छा लाओ तो कोई सरी सनद। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजते, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद ला के दें। सनद तो अल्लाह ही के हुक्म से आती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है? जो अजियतें तुम लोग हमें दे रहे हो ना, उन पर हम सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया, या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब ये देश निकाला जो है ना, वो हर दौर में नबियों और नबियों के पैरोकारों को हर दौर में देश निकाला, एग्जाइल और मुल्क से निकाल करने की धमकियां दी जाती रही हैं और दी जा रही हैं। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी, हम उन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हजूर जवाबदही का खौफ रखता और मेरी वही से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा तो यूं उनका फैसला हुआ और हर जब बार दुश्मन हक ने मुँह की खाई। फिर उसके बाद आगे उसके लिए जहन्नुम है, वहाँ उसे कच लहू का सा पानी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, रब्बा नस्रिफन्ना अज़ाब जहन्नुम, रब्बा नस्रिफन्ना अज़ाब जहन्नुम, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्नहा सात मुस्तकर व मुकामा। जहन्नम में पीने के लिए क्या दिया जाएगा? कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाए। क्या आराम से पी लेगा? नहीं, जिसे वो ज़बरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतारेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरने नहीं पाएगा और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन्हु, अल्लाह हमें फ़िक्र आखरत अता फरमा, अल्लाह इस अजाब से बचने की फ़िक्र अता फरमा, अल्लाह जहन्नुम से निजात की तड़प अता फरमा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया उनके अमाल की मिसाल और राह किसी है जिसे तूफानी दिन की आंधी ने हवा से उड़ा दिया। क्या है जो शख्स कुफर करता है उसकी ज़िंदगी की हकीकत कैसी है? कि जैसे हवा आती है तो राख उड़ जाती है, वैसे काफिर की ज़िंदगी जब उसके ऊपर मौत की हवा चलती है तो उसके सारे दुनिया के आमाल उड़ के ज़ाया हो जाते हैं। यही परले दर्जे की गुमगश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए, ऐसा करना उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, उस वक्त उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे ना, वो उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे जिनको वो फॉलो कॉपी एडवर्टाइज करते थे ना, वो कहेंगे दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से हमें बचाने के लिए कुछ कर सकते हो? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें नजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें भी दिखा देते, अब तो यकसा हैं, खा हम जजा फजा करें या सब्र करें, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। जब फैसला चुका दिया जाएगा यानी जब हिसाब किताब हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? शैतान क्या कहेगा? हाँ, वो जो अब हर वक्त फितने फसाद करवाता है ना, फिर वो क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद कहेगा, हकीकत यह कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे ना वो सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए थे उनमें से मैंने कोई भी पूरा ना किया, और मेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था, मैं तो इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी और तुमने मुझ पर लबैक कहा। अब मुझ पर मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, ना मैं यहाँ तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बनाया था ना, मैं उससे बेरी जिम्मा। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि जब अल्लाह सुबहाना ताला को और शैतान का मुकालिमा हुआ था तो शैतान ने वहाँ पर ही बात कह दी थी कि मैं इंसान के रस्तों पर बैठूंगा और मैं इनको आरजुएं दिलाऊंगा, इनको उम्मीदें दिलाऊंगा, इनको उलझाऊंगा, इनको वादे करूंगा और मैं इनको दिल फरेबियाँ पैदा करूंगा। तो ये शैतान ने अपना लाए अमल और अपना एजेंडा तब बता दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे कि मैं ये सब कुछ करूंगा और फिर मैं क़यामत के दिन जब लोगों के हिसाब किताब हो जाएंगे और जहन्नमी उसको मानने वाले जहन्नम में जाएंगे तो वो कहेंगे, वो कहेगा कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ऑल व्हाट आई कुड डू इज़ कि मैं तुम्हें वसवसे डालता और मैं तुम्हें दावत देता। ये नुस्खा भी मैं आपको समझा दूँ कि बहुत से लोग ये बात करते हैं जिन लोगों के दिमाग
और जहन कुछ टेढ़ की तरफ शैतान चलाता है ना, वो इस किस्म के टेढ़े सवाल कई दफ़ा करते हैं। और वो सवाल अक्सर कई दफ़ा इस नौयत में आता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शैतान को मोहलत क्यों दी थी। ना अल्लाह शैतान को मोहलत देता, ना शैतान होता, ना कोई मुसीबत होती और ना लोग जहन्नुम में डाले जाते। ये शैतान को मोहलत दी क्यों गई थी? असल में ये दुनिया इम्तिहान गाह थी, आजमाइश थी। और मैं आपको बताऊँ, शैतान को आजमाइश में मोहलत दी कितनी गई थी, असल बात तो वो समझनी ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ जब उसने मोहलत मांगी थी तो मेरे रहमान रब ने इस दुनिया की इम्तिहान गाह में उसको कितनी मोहलत दी थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में वसवसा डालने की इजाज़त। उसके पास इससे ज़्यादा कोई इख्तियार और इस्तेहकाक और अथॉरिटी और इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ दिलों में वसवसा, वसवसा किसको कहते हैं, एक छुपा हुआ, एक पोशीदा सा एक ख्याल, जिसे कहते हैं ना एक बुलबुला सा फटता है दिल में, बस वो एक वसवसा डाल सकता है। नथिंग मोर देन दैट एंड नथिंग लेस देन दैट। वो सिर्फ एक मुबहम सा छोटा सा पोशीदा सा वसवसा और ख्याल डाल सकता है। इस वसवसा डालने के बाद वो और किसी चीज का इख्तियार नहीं रख सकता। शैतान ये इख्तियार नहीं रखता कि एक शख्स को पकड़े और उसको उसको नीचे गिरा के जबरन उसके मुंह के अंदर वो शराब की बोतल जो है वो उसके हलक के नीचे उतार दे, या एक औरत के जबरन लिबास पहना के जो उसका लिबास छीन के उतार के उसको बेहयाई का लिबास पहनवा दे। ये नहीं कर सकता। ऑल वर्ड शैतान के, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो सिर्फ और सिर्फ वसवसा डाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल में खाका डाल सकता है। इस वसवसे के बाद के मराहिल जो है वो इंसान का अपना इख्तियार और अपनी मर्जी और अपनी सोच है। वसवसे के बाद का मरहला तमन्ना, डिजायर, आरजू, ख्वाहिश। उसके बाद इरादा, डिसीजन, और फिर इरादा पक्का हो जाए तो अजम, पक्का अजीम, और फिर उसके बाद अमल। ये जो अगले सारे मरहले हैं कि उस वसवसे के बाद ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना और डिजायर आती है, फिर उसके बाद एक इरादा और डिसीजन होता है, फिर वो इरादा पक्का पुख्ता अजम बन जाता है और फिर वो अमल में मुंतकिल होता है। ये साहिब इंसान का अपना इख्तियार है कि उस वसवसे के बाद आई लेट माई सेल्फ कैरी ऑन विद द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और नॉट। ये मेरा अपना इख्तियार है और यही इंसान की जिंदगी की आजमाइश। मसलन मैं कई दफा ये बात मिसाल से समझाती हूँ। आप देखें, एक खातून है ना, वो शादी पे गई है और वो वहां पे किसी एक डिजाइनर को देखती है और वो बड़ी स्मार्ट सी मॉडल आती है और उसने नी मुरिया सा फहश सा लिबास पहना हुआ है और वो चल रही है बहुत लहक लहक के। अब शैतान इसके दिल में एक वसवसा डालता है कि ये कितनी अच्छी लग रही है। ये वसवसा शैतान डाल सकता था। उसके बाद अगले दिल में आरजू और तमन्ना आना कि हाय काश मैं भी ऐसी लगूं, फिर उसके बाद ये इरादा करना, हाँ मैं भी ऐसी लग सकती हूँ, मेरा मेरी हाइट, मेरा स्ट्रक्चर, मेरी जसामत भी ऐसी है, मेरी रंगत भी ऐसी है, मैं भी आई माइट एज वेल, मैं भी ऐसी लग सकती हूँ। फिर ये इरादा, फिर उसके बाद वो पक्का अजम और पक्का इरादा कर ले कि वो जो मेरा फलां मटीरियल और फैब्रिक पड़ा हुआ है वो बिल्कुल उसके फैब्रिक की तरह है, मैं ऐसा ही सिलवाऊंगी, फिर मैं अपने भांजे या भतीजे या भाई की शादी पे बिल्कुल ये पहनूंगी। ये इरादा, ये अजम, और फिर वो अमल के लिए जाती है, किसी टेलर को, डिजाइनर को देती है और फिर वो लिबास सनाती है और वो उसको पहन लेती है। ये ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, इरादा, अजम और ये अमल किसके इख्तियार में था? ये शैतान के इख्तियार। वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है। लिहाजा अल्लाह ने इम्तिहान गाह में उसको सिर्फ इतना इख्तियार अमल दिया है, बाकी इख्तियार अमल इंसान का है, इसीलिए उसको सजा और जजा है। तो इसीलिए हमें कुरान में दुआ सिखाई गई है। क्या दुआ मांगा करो? एक तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह मुझे शैतान से बचा जाए, और दूसरा दुआ सिखाई गई है रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरूनी, अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों से बचा, बल्कि मुझे इससे बचा कि वो मेरे करीब ही ना आए, ना वो मेरे पास आए और ना वो मेरे दिलों में वसवसे डाले। आज कोरोना के डर से सोशल डिस्टेंसिंग तो करते फिरते हैं, लेकिन कोरोना के रब के डर से, शैतान से डिस्टेंसिंग नहीं करते। अल्लाह हमें तकवा अता फरमाए, अल्लाह हमें सही फासले रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन वाइज़ना मिन शुरूरे अनफुसना, अल्लाह हमें अपने नफ्सों के शर से बचाए जो शैतान का लुकमाए तर बन के उसके वस्वों को रिस्पॉन्ड और रेसिप्रोकेट करते हैं।
बखिलाफ इसके कि जो लोग दुनिया में ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वहां वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे, वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह सुबहाना ताला ने कलिमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी? एक बहुत बड़ी सी प्यारी सी मिसाल है, पहले मिसाल पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त, अल्लाह क्या कह रहा है उसको, शजरतिन तैयबतिन, अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी हैं, शाखें आसमान तक पहुँची हैं, हर आन वो अपने रब के हुक्म से फल दे रहे। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। आपको पता है कि जब ज़मीन में बीज डाला जाता है ना और फिर ज़मीन में पानी वगैरह डाला जाता है तो बीज में से कुछ जड़ें निकलती हैं जो उस बीज को मजबूत और पुख्ता कर देती हैं, और फिर जड़ों के बाद उसमें से कोंपलें निकलती हैं, फिर उसकी बारीक सी शाख होती है, फिर वो शाख जो है वो मजबूत हो जाती है, फिर वो तना बन जाती है, फिर उस पर टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर बरगोबार, फिर फूल, फिर फल निकलते हैं। और ये दरख्त जो उस बीज से निकलने वाला, एक बीज से निकलने वाला एक दरख्त, वो एक बहुत खूबसूरत सी एडिशन बन जाता है। और दरख्त क्या क्या फैज़ देता है अपने माहौल को, देखने वालों की आंखें ठंडी करता है, माहौल को सरसब्ज करता है, खुशगवार करता है, माहौल की कसाफतें गंदगी दूर करता है, बारिश के बरसाने में प्रमोशन करता है, फिर उसके बाद हवा को मुअत्तर करता है, हवा को साफ सुथरा करता है, उसके फूल उसके फलों की महक जो है वो फैल जाती है, और वो जो तरावट और सब्जा जो है वो भी आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून और राहत देता है। फिर दरख्तों के साए में लोग आराम करते हैं, उसका तना जो है वो कुछ लोगों की टेक बन जाता है। और फिर दरख्त सिर्फ यही नहीं, वो तो परिंदों और चरिंद परिंद हैवानात नबातात के लिए मुफीद होता है, किसी को चारा देता है, किसी को उसका घोंसला बनाने का ठिकाना दे देता है। और ये दरख्त जो है वो, ये भी याद रखिएगा कि अपने गिरने से पहले हर दरख्त अगले पौधे और दरख्त लगाने का एहतमाम करके जाता है। हर दरख्त अपने गिरने से पहले, अपने टूटने और अपने उखड़ने से पहले छोटे छोटे नन्हे पौधे, और ये भी याद रखिएगा कि नन्हे नन्हे पौधे जब तक वो दरख्त मौजूद होता है उसके नीचे रहने वाले वो पौधे उगते नहीं, लेकिन जब वो दरख्त रुखसत हो जाता है तो वो पौधे घनावर दरख्त बन जाते हैं। और फिर ये दरख्त उसके अपने जाने के बाद भी लोगों को लकड़ी भी फराहम करता है, और फायदे उसके रुखसत हो जाने के बाद भी जारी और सारी रहते हैं। ये है एक मोमिन और ये है कलमाए तैयबा। एक ईमान लाने वाला शख्स जब कलमाए तैयबा के अल्फाज अदा करता है तो ये कलमाए तैयबा का बीज उस मोमिन के दिल में दाखिल होता है। कलमाए तैयबा का बीज जिसके दिल में जाए तो उसके नीचे से तकवा, तवक्कुल, कुल कनात, सबर, शुक्र, जिक्र की जड़ें निकल आती हैं, और फिर ऊपर से आमाले सवालिया की कोंपलें निकलती हैं। ये कोंपलें बड़ी होती जाती हैं, अकीदे और ईमानियात का वो तना बन जाता है, उस पे हकूकुल इबाद के, हकूकुल्ला की शाखें निकलती हैं, हुस्ने अखलाक, हुस्ने मामलात और इबादात, ये सारे बरगुबार और फूल जो हैं उस पे उगते हैं। और फिर मोमिन शजरतिन तैयबतिन की तरह अपने माहौल की गंदगियों को, कसाफतों को दूर करता है। वो मोमिन इस खूबसूरत दरख्त की तरह अपने वालिदैन की नहीं, माशरे में सबकी आंखों की ठंडक बन जाता है, वो माशरे में हरियाली देता है, माशरे को अपने फलों फूलों, अपने अखलाक, अपने मामलात, अपने इल्म, अपने हुस्न सलूक, अपने अखलाक के साथ माहौल को मुअत्तर कर देता है, बहुत से बूढ़ों ज़ईफ़ों मोहताजों की टेक बन जाता है, जो जानवर है चरिंद परिंद है उनके लिए सहूलत का जरिया बनता है। और हर मोमिन अपनी ज़िंदगी में रुखसत होने से पहले अपनी औलादों और अपने शागिर्दों को अपने तरह का एक दरख्त बना के अपने लिए सदका जारिया बनाने का एहतमाम भी करता है। और मोमिन कलमा पढ़ने वाला तो वो है कि जब वो रुखसत भी हो जाता है तो उसके पीछे उसकी चीज़ें उसके लिए बाकियात सवालिहात बन जाती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला अल्लाह हमें कलमाए तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये कौलो करार जो हम इस अफजल जिक्र की शक्ल में, ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ल में अदा करते हैं, अल्लाह इस पर अमल करना आसान कर दे। अल्लाह मौत के वक्त तक इसके ऊपर जमने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मौत के वक्त भी जबानों पर जारी फरमा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुबहाना ताला इस
कलमे की वजह से अल्लाह हमें अपने वालिदैन और उस्तादों के लिए और हमारी औलादों को अल्लाह हमारे लिए आंखों की ठंडक और सदका जारिया बना दे। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग उनसे सबक लें। और खबीस कलमे की मिसाल, वो तो एक बज़ात दरख्त किसी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह कौले साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है, और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बना ज़लमना अन्फुसना वा इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तुमने उन लोगों को देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफराने नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना, यानी जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए, वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। उनसे कहो अच्छा मज़े कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर तो जाना दो जख़ी में। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन व तूब इलैक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन व तूब इलैक, अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे जो ईमान लाए हैं उनसे कह दो नमाज कायम करो, और जो कुछ हमने दिया है उसमें से खुले छुपे अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करें? उस दिन से पहले खर्च करो जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी होगी। अल्लाह सुभाना ताला यहाँ पर मौत के वक्त से पहले खर्च करने की ताकीद फरमा रहे हैं। हदीस के अल्फाज भी आते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खर्च करो, खर्च करो उस वक्त से पहले कि जान लबों पे आ जाए। उस वक्त तुम कहने लगो ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो, इब्ने आदम ये माल उस वक्त तेरा नहीं, तेरे वारिस का है। और अल्लाह ने कुरान में एक और जगह फरमाया ना, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती आयत सूरह बकरा में भी आती है, या अय्युल लजीना आमनू अनफिकू, तुम खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल याअतियकुम यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शिफ़ातुन वल्काफ़िरूना हुमुज़्ज़ालिमून, के उस दिन से पहले जब ना कोई दोस्ती होगी, ना कोई सिफारशी होगा, ना कोई दोस्त नवाजी होगी, उससे पहले करो। और अगर तुम इसका इनकार करते तो तुम तो बहुत ज़ालिम हो। ज़ालिम ही है ना वो शख्स जिसके पास माल है और वो खर्च करके अपने लिए जन्नत का सौदा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्मत का फ़कीर कौन होगा? तो आपने फरमाया मेरी उम्मत का फ़कीर वो नहीं होगा कि जिसके पास माल ही नहीं होगा, मेरी उम्मत का फ़कीर वो होगा जिसके पास माल था लेकिन उसने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए सदका जारिया नहीं बनाया। ये वो अहमक है, ये वो अहमक है जिसके पास था लेकिन वो अपना सारे दुनिया के घरों के लिए, कोठियों के लिए, जायदादों के लिए, कपड़ों के लिए, लिबासों के लिए यही लूंढाता रहेगी। आपने फरमाया ना तुम्हारे माल में से तो तुम्हारा माल वो है जो तुमने खा के पुराना कर दिया, जो तुमने पहन के उड़ा दिया, जो तुमने खा के उड़ा दिया, जो तुमने पहन के पुराना कर दिया, या जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए सदकाए जारिया बना दिया। तो ये वो ताकीद है जो की जा रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम तो खर्च करते थे और खूब ही खर्च करते थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला का वाक़िया आता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला के घर ना कोई मेहमान आए, तो मेहमान नवाजी तो आपको पता है ना कि कुरान का हुक्म भी है और अम्बिया का तरीका और सुन्नत भी है। और हदीस में आता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, और मेहमान नवाजी जो है उसका हक 3 दिन बताया गया। बहरहाल हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने जो मुसाफिर थे, ये कोई पराए अजनबी मुसाफिर थे, इनकी मेहमान नवाजी की, इनको खिलाया पिलाया, और खिलाने पिलाने के बाद वो रुखसत उनको खाना पाना दे के वो अंदर आ गए। अब मेहमान चूँकि मुसाफिर थे, ये मुंतज़िर थे कि खाना तो हमें दे दिया तो अब हमें कोई बिस्तर वगैरह दिया जाए ताकि हम आराम करें और सोएं और हम अपनी थकावट ख़त्म करें और अगले दिन के लिए ताज़ा दम हो जाए। कुछ देर तो उन्होंने इंतज़ार किया लेकिन फिर जब घर वालों ने बिस्तर मुयस्सर नहीं किया तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम घर वालों के पास जाके मांगते हैं। अब जब ये अंदर आए तो उन्होंने कैफियत देखी कि सख्त सर्दी का चूँकि मौसम है, लेकिन उस हाल में कैफियत ये है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला बिस्तर पर लेटे हुए और उन्होंने ऊपर एक पतला सा दुपट्टा जो है वो लिहाफ के तौर पर लिया हुआ है, और उनकी बीवी भी साथ बैठी हुई और सिर्फ अपने पाँव जो है वो उस चादर के अंदर डाल के वो भी दुबक के सिमट के बैठी है।
ये कैफियत देखने के बाद उन्होंने साथ ही मुखातिब होकर हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है वो मुतालबा किया कि आपने खाना पीना तो हमें दे दिया है, लेकिन अब हमें कोई बिस्तर भी दें ताकि हम आराम करें। तो इस पर हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे माजरत करते हुए फ़रमाया कि देखो हमारे भाई, असल बात यह कि खाना तो हमारे पास जो था वो हमने तुम्हें दे दिया है, लेकिन बिस्तर हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमने ना अपना घर कहीं और मुंतकिल कर लिया है, हमने अपना घर कहीं और बना लिया और अब हम इस घर का सामान उस घर में मुंतकिल कर रहे हैं। ये साथी जो हैं वो कुछ हद तक तो हकीकत हाल को पहुंचे, लेकिन साथ ही उन्होंने मशवरा दिया कि फिर भाई ऐसा करो कि कुछ सामान तो इस घर के लिए भी रख लो। तो इस पर हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे भाई, असल बात यह कि मैंने और मेरी बीवी ने इस बात का एहसास हो गया हमें और हमने इस बात का फैसला कर लिया है कि हमारे इस घर और हमारे उस घर के दरमियान एक गहरी खाई है और हम उस खाई को हल्का फुल्का ही अबूर करना चाहते हैं। खाई तो मेरी बहनों हमारे इस घर और हमारे उस घर के दरमियान भी है। हमारी ये दुनिया का घर उस कब्र की खाई और हमारी ये दुनिया का घर और उस जन्नत के घर के दरमियान वो पुल सिरात के नीचे की खाई, अल्लाह उस खाई में से तो मैंने और आपने भी गुजरना है। लेकिन यहाँ पे हाल ये कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह सुभाना ताला हमें भी उन खाइयों से हल्का फुल्का गुजरने की फिक्र अता फरमा और अल्लाह इस घर से उस जन्नत के घर तक मुंतकिल होने का जौक और शौक और फिक्र और तलब और तड़प अता फरमा। अल्लाह हमें जन्नत का ताजिर बना दे, अल्लाह हमें जन्नत का सौदागर बना दे, अल्लाह हमें जन्नत को हासिल करने की लगन लगा दे और अल्लाह उसके लिए मेहनत और सही करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी कोशिशें बहुत छोटी हैं, बड़ी नाकिस हैं, बड़ी रद्दी भी हैं, बड़ी थोड़ी भी हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरी रहमत से मायूस नहीं, इन्हें छोटी छोटी कोशिशों को कबूल करके इन्हीं को हमारी जन्नत के हसूल का जरिया बना दे। अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसी के ज़रिए तुम्हारे लिए रिस्क रसानी के तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने किश्ती को इसके हुक्म से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख़र किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख़र किया कि लगातार चलते जा रहे हैं, रात और दिन को तुम्हारे लिए ताबे किया, जिसने वो सब कुछ दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा। और जब सबर का, शुक्र का और जिक्र का तज़किरा हो तो साबिर, शाकिर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुदाद ज़रूर आ जाती है। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। क्या दुआ की थी? खाना काबा की तामीर के वक्त, हरम के आबाद होते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे जअल हाज़ल बलद आमिना, ए अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बस्ती उम्मुल कुरा के लिए जो पहली दुआ की वो ये नहीं कि यहाँ पे स्काई स्केपर्स बना देना, यहाँ पे तेल के कुएं निकाल देना, यहाँ पे दुनियावी तरक्की देना। जो पहली दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी कि इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। याद रखिएगा, शहरों में अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह, शहरों में अमन का क्याम, घरों में, माशरे में, शहरों में, मुल्क व मिल्लत में, उम्मत में, दुनिया की सतह पर पहली तरजीह अमन का क्याम, बदमनी का रोकथाम। और फिर ये भी याद रखिएगा कि ये आयत और ये दुआ वाज़े तौर पर पैगाम देती है कि अल्लाह का कलाम, नबियों की तालीमात, रसूलों के पैगाम और अहकाम जो हैं वो पूरे के पूरे अमन के अलम बरदार हैं। इस्लाम अमन का प्रचार करता है। अगर बदमनी का खात्मा करना चाहते हैं, अमन को कायम करना चाहते हैं तो कुरान और हदीस और नबियों की तालीमात को आम करने से होंगी। आज हम समझते हैं कि दहशतगर्दी मदारिस के कयाम की वजह से है। दहशतगर्द कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं। मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है, कुरान की तालीमात को टेररिज्म की तालीमात कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है।
आज टेररिज्म को खत्म करने के लिए, बदमनी को खत्म करने के लिए मदारिस को देश नकाला दिया जा रहा है, कुरान की तालीमात देने वालों को पकड़ पकड़ के दुश्मनों के हवाले किया जा रहा है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, ये बात जहन नशीन कर लीजिए, गिरा बांध दीजिए दिल में कि अगर माशरे में अमन चाहते हैं, अगर बस्ती के अंदर अमन चाहते हैं, तो कुरान की तालीमात को आम करना होगा, मदारिस को कायम करना होगा, कुरान की तालीम से जुड़ना और जोड़ना होगा, और यही अमन का नुस्खा है। और फिर दूसरी दुआ क्या कि अल्लाह मुझे और मेरी औलादों को बुत परस्ती से बचा दे। क्यों? क्योंकि परवरदिगार इन बुतों ने बहुत सो को गुमराही में डाले, मुमकिन है कि मेरी औलादों को भी ये गुमराह कर दे, लिहाजा इनमें से जो मेरे तरीके पर चलेगा वो मेरा है, जो मेरे खिलाफ किसी तरीका को इख्तियार करेगा तो यकीनन तू दरगुजर करने वाला मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों के लिए बुतों की नजात जो है, बुतों की गंदगी से बचने की दुआ की। उस दौर में तो बुत ननार देवता था, शमास देवता था, सूरज चांद सितारों को पूजा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपनी जुरियत के लिए उन हकीकी बुतों से निजात की दुआ मांगी थी। आज वो बुत तो मेरी बस्ती में नहीं पूजे जाते, लेकिन इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात नफ्स के बुत हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के, अपनी आरजुओं के, अपनी तमन्नाओं के बुत हैं। ये वो कलादे हैं जो हमने अपने गलों में डाल रखे हैं, अपनी बरादरी की रसूमात के बुत हैं, अब माशरे के नॉर्म्स के बुत हैं। और फिर धन की देवी का बुत तो ऐसा बुत है कि जिस धन की देवी के बुत को कोई ठुकराना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं हो रहा। तो असल में अपने आप को और अपनी औलादों को आज के दौर से कि जो बुत हैं इनसे भी बचने की दुआ भी करनी और इन बुतों को पाश पाश करने की कोशिश भी करनी है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं, परवरदिगार मैंने एक बेआबो गया, एक ऐसी वादी जिसमें कोई पानी, कोई तिनका, कोई ज़रात नहीं है, बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को। ये कौन सी औलाद का हिस्सा है? हज़रत हाजरा के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाए। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया है कि लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों, लोगों को तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना दे और इन्हें खाने को फल दे, शायद के शुक्र गुजार बने। औलादों के लिए रिस्क माना भी नबियों की दुआ है ना। परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से भी कुछ छुपा नहीं। ये ज़मीन आसमानों में शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत में मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। क्या फरमा रहे? इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ। दुआ किसकी कबूल होती है? नबियों की भी कबूल होती है, लेकिन नबी दुआ कैसे करते थे? यकीन से, वसूख से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में दुआ मांगी थी, रब्बी हबली सालिहन, अल्लाह मुझे नेक और सवाले औलाद अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की थी क्योंकि रवैया क्या था? इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ। इसमें कोई शक ही नहीं कि मेरा रब सुनता है, मेरा रब सुनता है। इन्ना रब्बुकुम हय्युन करीमुन फस्तहयी, मेरा रब हया वाले, वो सुनता है और उसको हयात ही है, खाली हाथ लौटाते ऐसे दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब दुआ सुनता है। और फिर दुआ बड़ी प्यारी की, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना अग़फिरली व लिवालिदैय्या व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो लिहाजा ये बहुत वो खूबसूरत दुआएं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, असल में ये रुदाद क्या है? आपको पता है अल्लाह का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हाजरा, साबरा, शाकरा को और उनके छोटे से दूध पीते नौजायदा बच्चे को, शीरखार बच्चे को, वो मक्का की बस्ती में आबाद कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का घर आबाद करना है और बसाना है और हरम की तामीर करनी। अल्लाह का हुक्म आता था, इस कौल अला रहू रब्बुहु अस्लिम कौल अस्लम तुल रब्बिल आलमीन, कि जब अल्लाह कहता था ये काम कर ले, झुकला फरमा बरदार हो जाए तो झुक जाना फरमा बरदारी और इस्लाम, और यही समेना वातवाना का अंदाज था। इतना मुश्किल सफर, संगलाख चटियल पहाड़ी जमीन, सहराई रेगिस्तानी इलाका, ये दुश्वार गुजार सफर और वो फरमा बरदारों का काफिला। रुदाद इंशाल्लाह कहीं वजाहत से मैं फिर और कुर्बानियों की रुदाद भी कहीं और इंशाल्लाह आएगी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस साबिर शाकिर माँ को और उनके दूध पीते बच्चे को जब एक थैला खजूर का और एक मशकीज़ा पानी का देकर वहाँ पे छोड़ा था, तो वहाँ पे हाल क्या था? वहाँ पे मक्का की आज की तरह की बस्ती नहीं थी जहाँ स्काई स्केपर्स हैं और जहाँ तेल के कुएं, वहां तो हद निगाह तक कोई चिरिंद परिंद हैवान, कोई इंसान, कोई दूर दूर तक कोई नफ्स नजर नहीं आता था।
कोई जिंदगी का शरारा नहीं था हद देने का तक, कोई घास का तिनका नहीं था, कोई पानी की बूंद नहीं थी, कोई एक सब्जा, कोई एक खेती, और फिर यहां पर एक थैला खजूर का और एक पानी का मशकीजा, और ये देकर वहां पे छोड़ के जब पलटते हैं तो हज़रत हाजरा ने पूछा था, इब्राहिम हमें यहाँ क्यों छोड़ चले हो? तीन दफा पूछा उन्होंने, इब्राहिम हमें यहाँ क्यों छोड़ चले हो, इब्राहिम हमें यहाँ क्यों छोड़ चले। छोड़ने वाले का भी दिल भरा है, जबान साथ नहीं दे रही, जवाब नहीं देते, खामोश हैं। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देती हैं और फरमाती हैं, क्या अल्लाह का हुक्म है? जब अल्लाह का हुक्म है और खलीलुल्लाह की मर्जी है तो साबिरा शाकिरा हाजरा भी खामोश है। रुदात तो इंशाल्लाह कहीं और आएगी कि फिर इन्नल्लाह मास साबरीन कैसे हुआ और कैसे फिर इन्नस सफा वल मरवा था उसको शायर अल्लाह ने बनाया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस माँ और बेटे को वादी गैर जी जरा में छोड़ के जा रहे हैं और जवाब देने की सकत नहीं है तो आंखों से आंसू थे, कदम भारी तो था, दिल बोझल तो था, लेकिन जब दुख था, जब गम था, जब परेशानी थी और वो वक्त मुश्किल था तो किसको पुकारे? लहू तहवतुल हक, पुकार अल्लाह को रे। और वो दुआ क्या थी? आंखों से आंसू जारी है और उस वक्त अल्लाह को पुकारे, रब्बी जाली बकी बसलात, अल्लाह मेरी औलादों को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी औलादों को नमाजी बना देना, और अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर लेना, मुझे ना मेरे वालदैन को बख्श देना और मोमिनों को बख्श देना। ये दुआ मेरे रहमान रब को, इस साबिर की, इस शाकिर की, इस अतात गुजार की, इस जाकिर की दुआ, ये अदा, ये कुर्बानी मेरे रहमान रब को खलीलुल्लाह की इतनी पसंद आई थी, इतनी भा गई थी अदा, कि हर नमाजी के नमाज में सलाम फेरने से पहले ये दुआ रख दी। अल्लाह हमें इस दुआ को इसके अल्फाज के मानी और तर्जुमे से पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक और नुस्खा बता दूं आपको, बहुत अहम है वो नुस्खा। खलीलुल्लाह है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे के जा रहे हैं, इतनी खूबसूरत दुआ कर रहे हैं, नबी की दुआ थी और फिर खलीलुल्लाह है, हर वक्त इबादत की हालत में अपने अहले खाना को नमाज की ताकीद कर रहे हैं, नमाज होनी, नमाजी बनने की, रब्बी जालनी मकीमस सलाती की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ये करने के बावजूद क्या सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को कहा था या सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों के नमाजी होने की दुआ करने पर कंटेंट हो गए थे कि अब मैंने मांग लिया ना, मैं खलीलुल्लाह हूं, मैं नबी हूं, मैंने मांग लिया, अब नमाजी बन जाएंगे, दिस इज सफिशिएंट? नहीं, अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए उन्हें उस वादी गैर जी जरा में आबाद करके कहते हैं कि मैंने इनको यहां पर आबादी, मैंने इनके तन मन धन, इनकी औकात, इनकी सलाहियतें, इनके जिस्म, इनके खाल, इनकी जिंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानी लगा के, दाव पे लगा के इनके तन मन धन, इनको इन गैर जी जरा वादी में आबाद इसलिए किया कि ये नमाजी बन जाएंगे। उनकी जिंदगी को दाव पे लगा दिया, उनका सब कुछ कुर्बान कर दिया, महज इसलिए कर दिया कि ये नमाजी बन जाएंगे। ये खलीलुल्लाह है, सिर्फ दुआ नहीं की थी, सिर्फ ताकीद नहीं की थी बच्चों को, बच्चों की चीजों की कुर्बानी भी दी थी उनको नमाजी बनाने के लिए। आज मेरे पास माएं आती हैं, रोई तड़पती भी आती हैं, हम उनके दर्द को समझ सकते हैं, हम सब माएं हम उनकी तड़प को समझ सकते हैं। मेरे पास रोती भी आती है, मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, मेरा बेटा हाफिज कुरान है नमाज नहीं पढ़ता, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, मुझे कोई वजीफा बता दीजिए। हाँ, मैं बहुत दफा ये कहूंगी, पढ़ें ये दुआ, नमाज में दुआ पढ़ें, माओं की दुआएं कबूल होती हैं, हदायत की दुआएं कबूल होती हैं, तड़प के दुआएं कबूल होती हैं, नमाज में दुआएं कबूल होती हैं, सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। हम माएँ मांगेंगे, नबी के खलीलुल्लाह के अल्फाज की दुआएं मांगे, कबूल होंगी, लेकिन सिर्फ दुआएं नहीं, सिर्फ वजीफे नहीं। ये समझ लें हम कि हम वजीफे की छड़ी के साथ, जादू की छड़ी बना के उनको नमाजी बना लेंगे, नहीं, कुर्बानी लाजिम है। आज हमारा हाल ये, आज हमारी कैफियत ये कि हम बच्चों के औकात की, उनकी सलाहियतों की, उनकी तालीम की, उनकी ट्यूशनों की, उनकी नींद तक की तो कुर्बानी दे नहीं सकते और फिर हम कहते हैं कि हम वजीफे पढ़ें और मुआवजा हो और वो नमाजी बन जाए। ओ लेवल का इम्तिहान है, मैट्रिक का सुबह पर्चा है, सारी रात बच्चा देर से नमाज पढ़ के सोया, माँ को सुबह तरस आ जाता है, ये भोंटे किस्म के लाड भी हमारी जिंदगी में शामिल है। वो देर से सोया पढ़ के बेचारे की नींद मत खराब करो,
अरे दुनिया के इम्तिहान का वो एक पर्चा और कयामत के दिन का वो सबसे बड़े इम्तिहान के दिन के पर्चे का पहला लाजिम सवाल, अरे वो छोड़ देते हैं और यहाँ के पर्चे की फिक्र के लिए, नींद की फिक्र करके फजर की नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे दुनिया और माफिया से ज्यादा महबूब है, जिसकी तो सुन्नतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सफर में छोड़ी, ना कजा में छोड़ी, किसी हाल में नहीं छोड़ी, वो फजर की नमाज छोड़ देते हैं। वो तो मुनाफिक है जिस पर भारी हो गई फजर और इशा की नमाज और माँ उसको सोता छोड़ देती है, ट्यूशन के लिए असर की नमाज छुड़वा देते हैं, जिसकी असर की नमाज, बुखारी की हदीस है, जिसकी असर की नमाज छूट गई उसका घर बार माल अहलो अयाल लुट गया। अरे वो एड मैस की ट्यूशन पढ़ता रह गया, पीछे घर लुट गया, माँ स्कूल पे बाहर बैठी रह गई, पीछे घर लुट गया। ऐसे तो लुट रही है हमारी नमाजें, ना हम औकात की कुर्बानी देते हैं, ना हम सलाहियतों की कुर्बानी देते हैं, ना हम तालीम की कुर्बानी देते हैं, ना ट्यूशन की कुर्बानी देते हैं, और फिर समझते हैं कि हमारे वजीफे करने से मौजा होगा और जादू की छड़ी लगेगी और बच्चे नमाजी हो जाएंगे। ये तो खलीलुल्लाह ने भी नहीं किया था। रब्बी जाली मक्की मसलत, रब्बी जाली मक्की मसलत हमें जरूरत, अल्लाह हमारी औलादों को नमाजी बना, अल्लाह हमारा दिल नमाज के साथ जोड़ दे, अल्लाह नमाजों का लुत्फ आने लगे, नमाजों का सुरूर आने लगे, अल्लाह नमाजों में हुसन अता फरमा दे, अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना दे, अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना दे, अल्लाह वो पेशानियां जो तेरे हजूर कभी सजदा नहीं करती, वो कमरे जो कभी तेरे हजूर झुकती नहीं, अल्लाह उनको झुकने के अंदाज सिखा दे, अल्लाह हमारी नस्लों में किसी को नमाज से महरूम ना करना, अल्लाह हमारी औलादों में किसी को बेनमाजी न बनाना, किसी को कुरान से महरूम न करना। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को तुम उससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ही होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, सर उठाए भाग गए चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हैं, दिल उड़े जा रहे हैं इनसे। उस दिन से तुम उन्हें डराओ जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे, ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे, रसूलों की पैरवी करेंगे, मगर उन्हें साफ जवाब दे दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है, हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी चालें चल देखी मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचे उनकी चालें ऐसी गजब की थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हरगिज़ ये गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादे के ख़िलाफ़ करेगा, अल्लाह ज़बरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह अल्लाह अपने इंतकाम से बचा ले, अल्लाह अपनी नाराज़गी से बचा ले, अल्लाह अपनी खफगी से बचा ले, अल्लाह अपनी रहमतों से ढांप दे, अल्लाह अपनी नाराज़गी से बचा के अपनी रज़ा अता फरमा दे, अल्लाह हमें महरूम न रख हमें अता फरमा दे, अल्लाह हमें मगदूब न बना हमें रहमतों से माला माल फरमा दे। डराओ उन्हें उस दिन से जबकि ज़मीन और आसमान बदल के कुछ का कुछ कर दिया जाएगा, सब अल्लाह वाहिदुल कहार के सामने बेनकाब हाजिर होंगे। यहाँ तो अपने बड़े बड़े चेहरे बना लिए ना हमने, वहाँ सब चेहरे खुले जैसे हैं सामने जाहिर होंगे। उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे, ये किसके मुजरिम हैं, ये अमेरिका के मुजरिम नहीं हैं, ये अल्लाह अहकमुल हाकमीन के मुजरिम हैं। तुम अल्लाह के मुजरिमों को देखोगे, जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन व तूबु इलैक। तारकोल कभी देखी आपने? जानते हैं ना तारकोल, वो जो सड़कों वगैरह के ऊपर वो स्याह मादा बनाते हैं जिसके साथ सड़कें, वो टायरों को भी चिपक जाए तो उससे भी नहीं उतरता। तारकोल का लिबास स्याह, काला स्याह, गंदा, और फिर उसमें से कितना जहरीला धुआं और उसकी बदबू और फिर उसकी हरारत, उसकी गर्मी और तपिश, और फिर सबसे ज्यादा तारकोल का मामला ये कि वो जहां चिपक जाता है ना, वो जो हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बा नसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा,
इसका अजाब तो जान का लागू और चिपक जाने वाला ही वो तारकोल का लिबास है जो वो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, वो ऐसा लिबास और फिर ऊपर से हाथ जंजीरों में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, और आग के शोले उनके चेहरों पर छा रहे होंगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को उसके अपने किए का बदला देगा। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अल्लाहुम हासिब ना हिसाब यसीरा, ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए, और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको उस जरिए से खबरदार कर लिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है, और जो अकल रखते हैं वो होश में आ जाए। अल्लाह इस मुखलत अमल में हमें पलटने वाला बना। दोहरा लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीज़ों का पांच चीज़ों से पहले शुक्र करो। जवानी का बुढ़ापे से पहले, सेहत का बीमारी से पहले, फुर्सत का मसरूफियत से पहले, माली फराखी का माली तंगी से पहले, और ज़िंदगी का मौत से पहले। आज जब मेरे और आपके पास ये सब है, अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिक। अल्लाह सुभाना ताला, आज की हमारी ये नशिस्त, इसको हम सब के हक़ में कबूल फरमाना। अल्लाह सब जुड़ने जुड़ने वालों को अल्लाह इस्तकामत अता फरमाना। अल्लाह इन महफिलों में बरकतें अता फरमा। हमारे घरों को ज़िक्र की महफिलें बना। हमारे घर वालों को भी सुनने की तौफीक अता फरमा, और हमें उसका ज़रीला वसीला और सबब बना। अल्लाह जो जो सुन रहे हैं उन सब के दिल में जो जो जायज़ ख्वाहिश उनके हक़ में बेहतर है अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफाए आजला कामिला अता फरमा। अल्लाह बीमारियों को ऐसे दूर कर देना कि बीमारी का नाम और शुबा भी ना रहे। अल्लाह मेरे जिन साथियों ने, किसी ने कैंसर, किसी ने हेपेटाइटिस, किसी ने टीबी से बचने का कहा, और अल्लाह इस वबा से सबको बचा। अल्लाह इस वबा से हर घर को बचा, हर घर के फर्द को बचा। अल्लाह जो इस बीमारी में मुब्तिला हो चुके हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह बुरी मौत से, बुरी तदफीन से बचाना। अल्लाह सुभाना ताला, اللهم عيني على غمرات الموت وسكرات الموت يا ارحم الراحمين, جو پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس پر عمل ہم سب کے لیے آسان کر دے, رزق حلال عطا فرما دے, ہمارے گھروں کو امن کا, سکون کا, محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ جس جس کے گھر میں جو جو غم ہے, جو دکھ ہے, جو پریشانی ہے, جو بیماری ہے, جو مسائل ہیں, جو جھگڑے, اللہ اپنی نظر رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ دلوں کو محبتوں سے جوڑ دے, اللہ محبتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا ارحم الراحمین, میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, اس کو ہر معاشی بحران سے نجات عطا فرما۔ हमारे मुल्क की तरफ गंदी निगाहों से बढ़ने वाले दुश्मनों को अल्लाह उनकी चालों को उन्हीं पर उल्टा। अल्लाह उम्मते मुस्लिमा में मुसलमान जहाँ जहाँ कट रहे हैं, पिस रहे हैं, अल्लाह सुभाना ताला उन सब की मदद और मुआवनत फरमा। हमारे फौज शुद्दान के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह सुभाना ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, और हमारी अपने प्यारों से जुदाई जो हमें रुलाती और तड़पाती है, इसी जन्नत के बाला खानों की मुलाकातों से दूर फरमा देना। रब्बी इब्नी ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्ना का अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। सुम्मा मीन।